मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती। बोलो किसने की है गद्दारी? देखो मैं जानता हूँ गरीबी बहुत बुरी चीज है और मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलो किसने पुलिस अंकल को इन्फॉर्म किया है? चलो बता दो, होती है गलती, इंसान से ही होती है। चलो बता दो किसने गद्दारी की है। ओके बोले झंडू के च्यवनप्राश, बोल किसने की है गद्दारी, किसने की है गद्दारी? बोल वहां पेट्रोल चल रहा है, बोल बोल जल्दी। नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, ओ भाई भाई, बोलिए हमारे टायर है, बोल शानदार सवारी, शानदार सवारी, बोल भाई बता दो, मेरी मेरी पुलिस को तुमने बताया था? मेरी पुलिस नहीं 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 भाई नहीं नहीं नहीं। सॉरी, गद्दार को मैं 6 मारता हूँ। जोगिया की गोली लो और खिचकिच दूर करो। भाई जोगिया भाई, अरे चीमन टुंडा, अब तू क्या सुनाएगा, भजन की भंगड़ा? भाई दो खबर है। क्या? एक अच्छी एक बुरी, पहले कौन सी वाली सुनाऊं? बुरी वाली हो चुकी, अच्छी वाली सुना। भाई पहली अच्छी खबर तो ये कि अपने 50 लाख के ड्रग्स का जो कंसाइनमेंट था ना, वो आसानी से उतर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखा कलेजों को कितनी ठंडक पहुंची है मेरे। बुरी वाली सुना। और बुरी खबर ये है कि अपने ड्रग्स का कंसाइनमेंट पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया। देखा ये कलेजों को कितनी आग लगी है, कौन था वो? वो सीधा लड़का था भाई, पता नहीं पुलिस को कैसे पता चला, और 4 रास्ते के सिग्नल पे पुलिस एनकाउंटर के अंदर अपना माल पकड़ा गया भाई। जोर का झटका धीरे से लगे, इतनी डेरिंग, जोगिया से पंगा, हाँ? लिखो स्क्रिप्ट अपना अपना, पुलिस से झूठा एनकाउंटर करवा के 10% का इनाम खा गया, ढूंढो साले को जो शेर के मुंह में लॉलीपॉप डाल के शिकार लेके गया, सांप के बिल में हाथ डाल के गुदगुदी करके गया, ढूंढो साले को। Switch off the cameras. I said switch off the cameras. Thank you, brother. As a minister of coal and mines, I assure you that our international diamond trading center is going to be the nerve center for the whole world. Ah! Get up! Move! Freeze! Nobody moves! Coca! Thank you.
Hey. Laura, get the car. Hey, bossy! तुम ठीक नहीं कर रहे हो, बचोगे नहीं। अब आगे कुछ बोला ना तो नहीं बचेगा मिनिस्टर। वेल डन मार्कोस, वेल डन। लेकिन तुम अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे, एक आधी अगर मुझे लग जाती तो। जब तक मार्कोस किसी को मारना नहीं चाहता वो मरता नहीं, और जब मारना चाहता तो वो बचता नहीं। Hey, my camera. Oi, मिनिस्टर साहब के यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। खोका। फिर भी तेरा ये साला डायरेक्शन का शौक कम नहीं होगा। अरे बंद कर। अरे नहीं 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 टीसी। Hey, टीसी। Sorry, boss. जब से बिजली मेरे ऊपर गिरी है करंट अंदर ही रह गया है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, ध्यान रखूंगा। सॉरी बट व्हाट नेक्स्ट? देखो मार्कोस, जब तक हाइस की न्यूज ठंडी नहीं पड़ जाती, प्ले कूल। डील हो जाने के बाद तुम्हें तुम्हारा शेयर मिल जाएगा। ये अच्छी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहां। क्या जगह है ये यश, क्या हवा है। पता नहीं यार, लोग अपनी सारी जिंदगी शहर की भागदौड़ में कैसे बिताते हैं। हाँ राज, कितना सुकून है यहाँ पर। टेंशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ अंगूर की बाग ले लेते हैं, वाइन बनाते हैं, खुद भी पीते हैं और लोगों को भी पिलाते हैं। बचाओ, बचाओ, बचाओ! इनका बच्चा मेरी डिक्की में फंस गया, उसको बाहर निकालो। लेकिन उसका बच्चा तुम्हारी डिक्की में फंसा कैसे? वो मैं बाद में बता दो, पहले बचाओ मुझे। ओके, आते हैं। नहीं यार, हम यहाँ सोशल वर्क करने थोड़ी आए। देख, बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, इंसान का हो या बंदर का। फेस पे स्माइल ला, उन्हें ये लगना चाहिए कि हम उनके बच्चे को बचाने आए हैं। जल्दी आओ। हेलो भाई, रुके। देखो देखो, स्माइल दे रहे, वो बचाने आए हैं। मदद करने आए भाई। थैंक यू भाई साहब, आपने मेरी जान बचाई। हमने तुम्हारी नहीं, उस गोरिल्ले के बच्चे की जान बचाई। शर्म नहीं आती, जानवरों के बच्चे चुराते हो। अरे नहीं नहीं, मैंने बच्चा चुराया नहीं है, डिक्की में केले पड़े थे, वो देखकर बच्चा अंदर घुस गया और डिक्की बंद हो गई, तो आप लोगों की तरह ये भी समझने लगे कि मैं। आप लोग टूरिस्ट हैं? यहाँ आसपास कोई होटल है, मोटेल है, कोई रहने की जगह है क्या? यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरा गांव है, वह रात को मेरे घर आप रुक सकते हैं। ओह, बहुत लेट हो गया। दैट्स गुड। सावित्री, इनको ठीक से नाश्ता करा देना। ओके, चलो मैं निकलता हूँ बहुत जल्दी में। ओके, बाय डार्लिंग। अरे संभाल के, संभाल के। अरे भाभी जी, आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है। इनके साथ रह के सारे गांव ने सीख ली, पर इनको अभी तक इंग्लिश नहीं आई। मेरे बच्चों से मिलो, ये वरुण है, उन पे गए। ये रोजी है, मुझ पे गए। और ये जैक्सन है। ये जैक्सन किस पे गया है? मैडम। यस जी। थैंक्स। आप लोग नाश्ता कीजिए, फंक्शन शुरू हो गए, माफ कीजिए। भाई और बहनों, आप सभी ने आपकी मेहनत का पैसा मेरे कहने पर इस बैंक में रखकर जो मुझ पर भरोसा रखा है, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। यार तू सामान पैक कर, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। आपकी बरसों की कमाई इस बैंक के ताले में बंद है, और इस बैंक की चाबी मैं हूँ। अरे निकल, ये क्या रहा है? अरे भाग जल्दी। क्या किया यार तूने? साले, बैंक लूट लिया। हाँ हाँ। ए, नहीं, 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 कोई आगे नहीं आएगा, समझा?
हमने फैसला किया था ना, कोई गलत काम नहीं करेंगे, सुधरने निकले थे ना हम। अरे ये दुनिया सुधरने दे तब ना, अंदर पैसा खुला छोड़कर सिक्योरिटी वाला साला पेप्सी पी रहा था, मैं क्या करता यार। चाकू छुरिया तेज करा लो, चाकू छुरिया तेज करा लो, चाकू छुरिया तेज करा लो, चाकू छुरिया। I have a gun. Please don't kill me. Move fast, otherwise I'll shoot you. Hey Raj, jaldi! बाय बाय, निकल गया हूँ मैं। अब पकड़ो। अरे भागने से। Catch them. अरे चल। चल। Come on, don't know. यार आज तूने अपने बड़े गेम में फंसा दिया मेरे को। अरे कब तक 100-100 रुपए के लिए स्टिंग ऑपरेशन करके ब्लैकमेल करता रहेगा लोगों को छोटे चोर। अरे छोटा चोर ठीक हूँ मैं, तुम जैसा क्रिमिनल नहीं हूँ समझा। 15 दिन के अंदर जाता हूँ, आज जाता हूँ, तू जब जाएगा ना अंदर 15 साल तक वापस नहीं आएगा। इसीलिए तो बचपन से लेके आज तक मैंने तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं की। अरे क्या कर रहा तू, अरे पागल हो गए क्या? अबे इनको रोकने का यही तरीका है बड़े चोर। पागल हो गए? अबे साले फोड़ियो, अपने ही पैसे लूट रहे हो। अलग से तुझ में बात है, अलग सा तेरा साथ है, अलग सा तुझ में है नशा, तूने ही तो होश मेरा चोरी से चुराया है। अलग सी तेरी है नजर, अलग सा तेरा है असर, अलग सी तेरी खूबियां, तुझ पे तो जैसे कोई रंग नया छाया है।
हमने अपने डंडे इसके हाथों पैरों पर तोड़ डाले मगर ये नहीं टूटा। जबान नहीं खोली इसने। कैलेन! आराम करो साले कोहरियो, तुम लोगों को ये लगता है कि गांव को मैंने बर्बाद किया है? तूने क्या कहा था पुलिस से कि वो लुटेरे दोस्त थे मेरे? मैंने शहर से बुलाया उनको, वो दोस्त है मेरे। और तू तू क्या बोल रहा था कि मैं गांव का एक एक घर नहीं लूट सकता इसलिए बैंक खोलकर लूट लिया? और तुम लोग? झंडूलाल मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ड्यूटी निभा रहा था तू? ये लो वो खाली हो गया था। अब मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो तुम में से दो चार का मर्डर करके मैं फिर से अंदर चला जाऊं, या फिर उन दोनों कमीनों को डरबन से पकड़कर वापस यहाँ लाऊं। डरबन? हाँ भाई, वो डरबन के ही हैं। वो जो बैग मेरे घर में छोड़ गए थे उसमें से डरबन की ट्रेन का रिटर्न टिकट मिला है। वो दोनों भाग गया, ये भी भाग जाएगा? अरे मेरा सब कुछ यहीं पर है, मेरे बीवी बच्चे, मेरा घर बार, आप सब लोग। मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा मैं? मैं क्या करूं बोलो? डरबन जाओ, डरबन जाओ, डरबन जाओ, डरबन जाओ, डरबन जाओ। सर वहां कुछ दिखा? That's it. Get ready for action. I'm ready, sir. लेकिन सर बैकअप तो अभी तक आई नहीं। हम बैकअप के लिए वेट नहीं कर सकते, वरना डायमंड थी मार्कस हमारे हाथ से निकल जाएगा। Nobody moves. Super Cop Arjun Singh. Oh God. Out, out, you girls. International criminal Marcus, Durban में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि यहाँ की पुलिस में मैं हूँ। Everybody, hands up. Hey. क्रिमिनल अगर आसानी से अरेस्ट हो जाए तो मैं एनकाउंटर नहीं करता। भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम अपनी अपनी गने फेंक दो, नहीं तो मैं समंदर तुम्हारे खून से लाल कर दूंगा। दरवाजा खोलो। You're a lucky man, अर्जुन सिंह, तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी। पापा, पापा, नानू, वो ठीक तो है ना? बच गया। हाँ मैम, 14 गोलियों में से 12 गोलियां डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी निकाल दी है। गोल और वो बाकी दो? वो अगर निकालने जाते तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। हाँ, मतलब दोनों पेट में है। हाँ। लेकिन नो प्रॉब्लम। क्यों नानू, वो क्या चॉकलेट वाली गोलियां हैं जो बाद में घुल जाएंगी? टुक टुक। नहीं बेटा, घुलेंगी नहीं, लेकिन वो गोलियां जब उनके पेट में ट्रैवल करेंगी ना तो उनको बहुत गुदगुदी होगी। गुदगुदी? हाँ गुदगुदी, जिसकी वजह से वो कितनी भी टेंशन में क्यों ना हो अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। ओह गॉड। कमिश्नर साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है। ऑपरेशन के दौरान बेहोशी की हालत में भी अर्जुन बार बार यही कह रहा था कि मेरी बीवी को पता नहीं चलना चाहिए वरना वो मुझे गोली मार देगी। दरअसल जो मेरी बेटी है ना काजल, उसको स्प्लिट पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है। लेकिन इसके पीछे तो कोई बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। पीछे नहीं डॉक्टर साहब, वजह अंदर है। वो गधा अर्जुन, वो उसको हीरो समझती थी, लेकिन शादी के बाद उसको पता चला वो हीरो नहीं, एक नंबर का जीरो है। उस बेचारी के सारे सपने टूट गए। वो अंदर ही अंदर अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिल में दबाकर घुटती रही, जिसकी वजह से उसको ये बीमारी हो गई। आज हालत ये है डॉक्टर साहब कि 24 घंटे में कम से कम एक मरतबा काजल को 10 मिनट का दौरा हर रोज पड़ता है।
और इस दौरे के अंदर वो अर्जुन को जान से मार देना चाहते हैं। ओह नो। ओह यस। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, अब पर मेरा स्टाफ इधर ही है। एक्सक्यूज मी सर, टाइम फॉर जूस। संतरे का? हमारे खानदान में आज तक किसी ने संतरे का जूस नहीं पिया, हम सिर्फ अनार का जूस पीते हैं। अनार का? नो प्रॉब्लम सर। अनार का जूस पिएगा तू? तेरे खानदान में किसी ने अनार देखा भी है? हंसी आ रही है? जोक कर रही हूँ ना? मैं हंस नहीं रहा हूँ काजल, मेरा मतलब काम नहीं, वो मेरे पेट के अंदर गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी। अच्छा, ठहर जा, तेरी गुदगुदी तो मैं निकालती हूँ, वरना तू यूं ही पेट में गोलियां लेकर मेरी काजल के सामने हंसता रहेगा और वो बेचारी रोती रहेगी। गोलियां मेरे पेट के अंदर? इतनी सारी गोलियां खाकर अब तक जिंदा कैसे है तू कमीने? हाँ, अरे मर गया होता तो कम से कम काजल तो बच गई होती ना। मार्कस को पकड़ने अकेले क्यों गया? क्यों गया था? अरे पुलिस वाला होकर एक क्रिमिनल से पिट के आगे शर्म नहीं आई तुझे? देखो, मैं तो कहता हूँ काजल पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, मेरी हड्डी रुक गई, बचाओ। अरे बॉस, बॉस आप तो बैठे। ओह माय गॉड सर, बाल बाल बच गए। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मुझे मरने का कोई डर नहीं, जी चाहता है इस खिड़की से छलांग लगा दूं। बचा। लेकिन तुम मरना चाहते थे? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें माँ का प्यार तो नहीं दे सकता, लेकिन नई माँ तो लाकर दे सकता हूँ ना। अरे बचाओ, हिलो मत, कोई बचाओ। डॉक्टर, देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सब क्या, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैडम एक तूफान आया था सर, लकी फिर से बच गए। यस सर। और तुम ये सब लेकर क्या बैठे हो? कौन लाया इसे? फेंको इसे। कौन है? अरे राम राम राम, शहर में घुसते ही मौत की माला, लगता है ये पूरा शहर उन कमीनों का दोस्त है। आजा पीछे यार, पीछे। सर। अरे यश। गेट वेल सून सर। थैंक यू यश, बहुत बहुत मुबारक हो, आप बच गए। थैंक यू। नहीं चाहिए मुझे तेरे फूल। क्या सर, इसके फूल? फूल मेरे फूल कांटे? शट अप यू चीटर, चोर, ब्लैकमेलर। इतने ग्रेट आदमी के साथ रहता है तू, कुछ सोशल वर्क कर, कुछ बड़ा बड़ा काम कर, इनके जैसा बन। फिर तो जैसा हूं वैसा ठीक हूं मैं। एक दिन तू मरेगा मेरे हाथ से। यश, इससे कहो मेरी नजरों से दूर हो जा। सर, जा रहा हूं, जा रहा हूं। इससे देखता हूं तो मुझे कुछ होता है सर, मुझे कुछ होता है। यश कंट्रोल कीजिए सर, आप हिलेंगे ना तो आपके टाके खुल जाएंगे सर। कंट्रोल सर, कंट्रोल सर, कंट्रोल। हाय राज। कमीनो सावा। ओ हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? हु इज दिस गास्टर्ड? डायरेक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हो। हाय हाय राज, तुम मतलब आप यहाँ? मेरा इंस्टॉलमेंट नहीं पहुंचा इस बार। वो भाई की एंगेजमेंट थी ना, थोड़ा सा बिजी हो गया था इसलिए वो। मुझे लगा आप भूल गए। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना डार्लिंग? ऑफ कोर्स, मेरी अगली फिल्म की हीरोइन तुम ही हो। नहीं, कांग्रेट्स। थैंक यू। बार बार स्क्रीन टेस्ट क्यों दिखा रहे हो? मैं कल मिलता हूँ आपसे। 10 मिनट से ज्यादा मैं पार्टी में बोर हो जाता हूँ, बाद में मिल लेना। हाय, क्या बात है? सारी सहेलियां ढूंढ रही है और आप यहाँ? वो जो लड़की है ना जिसकी सगाई हो रही है,
वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ कि वहां जाके बैठ जाऊं। दुश्मन मतलब? मैं समझा नहीं। ओह गॉड, अगर मैं वहां जाके बैठ गई तो वो लड़का मेरी सहेली की जगह मुझे नहीं पसंद करेगा। और आपकी सहेली भी काफी खूबसूरत है, मैंने देखा उसको। अच्छा तुम एक बात बताओ, टीवी प्लाज्मा में से क्या चूज करोगे? प्लाज्मा इंडिका फरारी में से? फरारी, दैट इज द डिफरेंस। वो टीवी है, मैं प्लाज्मा, वो इंडिका है, मैं फरारी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत? लगता है मतलब, एक मिनट तो मुझे ध्यान से देखो। तुम खूबसूरत हो लेकिन उतना नहीं जितना तुम समझती हो। सनसेट बीच पे मेरा एक शेक है, मैं रोज वही मिलती हूँ। जी आपको तो मैं इतनी खूबसूरत नहीं लगी तो आप वहाँ आओगे भी नहीं। हाँ देखते हैं। मुझे तो लगता है ये लड़की आधी पागल है। अरे आधी नहीं, पूरी पागल है, लेकिन मुझे भी पागल कर गई। ये आधी रात को कौन शोर मचा रहा है यार? कोई नया किरायेदार है साला, लाइट की वजह से दिख नहीं रहा। हेलो माय फ्रेंड, ये क्या शोर मचा रखा है? अरे लकड़ी कट रही है। ये लकड़ी काटने का टाइम है क्या? अरे तो ठंड अब पड़ रही है तो लकड़ी क्या सुबह में काटूं मैं? दिन में मैं धूप में कांप रहा था, अगर रातों में ठंड के मारे आकर के मर गया तो शमशान कुंड तुम्हारा बाप ले जाएगा। अबे पड़ोसी का कुछ ख्याल रखेगा कि नहीं? अरे पड़ोसियों ने कौन सा ख्याल किया है मेरा? साले घर का हीटर बिगड़ गया, किसने लाके दिया? सूखी लकड़ी नहीं दी कंजूस होने मुझे। चलो आप दे दो, मैं लकड़ी काटना बंद कर दो, आप दे दो। हमारे घर का हीटर चल रहा है, हमारे पास कोई लकड़ी वकड़ी नहीं है। घर में कुर्सी टेबल सोफा डाइनिंग टेबल कुछ तो होगा, लाओ वो दे दो, उसी से काम चला लूंगा मैं। लाओ देखा, जरा सा फर्नीचर के मांग लिया, चुप हो गए। ए बहुत हो गया तेरा, नीचे आओ। क्या नहीं, इतनी रात गए हम अजनबियों को घर नहीं बुलाते, जा। ये आदमी मुझे गड़बड़ लगता है, आगे जाके तकलीफ दे सकते हैं, जाके ठीक करूं? अरे चलना छोड़ना यार, आ। फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा एक बात पता, हाँ। ये लड़की वाकई इतनी खूबसूरत है क्या? है तो सही। लेकिन मेरे से एक गलती होगी, मैंने उसकी तारीफ बिल्कुल नहीं की। करेक्ट किया तूने, जितना नेगेटिव रहेगा उतनी वो लड़की पटेगी। एक बात और, उसे ये लगना चाहिए कि तेरे ऊपर हजारों लड़कियां मरती हैं। I knew it. क्या है ये? है क्या ये? मेरा दिल है यार। तुम लड़कियों को दिल विल प्यार वार के अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या? समझा अपने फ्रेंड्स को? क्या समझता है अपने आप को? कुछ तो है इसमें, तभी तो शहर की 150 लड़कियां मरती है इस पे। हे एक्सक्यूज मी, थैंक गॉड इस महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं देना पड़ेगा। ओह गॉड, अभी तुम भी हिम्मत कहना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। प्लीज मुझे तुमसे? नो वे। ओह गॉड इज ग्रेट, कम से कम एक लड़की तो मिली जिसकी सोच प्यार व्यार से ऊपर है। उसमें बुराई क्या है? अरे अच्छा ही क्या है यार, खूबसूरत समझती है अपने आप को। यार खूबसूरती ऐसी होनी चाहिए। मेरे जैसी? नहीं, तुम में भी कमियां हैं। जैसे? जैसे ये आपका जो चेहरा है ना, ऊपर से एकदम फर्स्ट क्लास शुरू हो जाता है, कि नीचे नीचे आते ही गड़बड़ शुरू हो जाती है ना। नाक भी थोड़ा शार्प हो सकता है। एक्चुअली यू नो, खूबसूरती जो है ना वो सिर्फ चेहरे पे नहीं होती। नहीं, 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 नहीं। चेहरे में ही होती है। आपका चेहरा देखिए, कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। आई नो वेरी हैंडसम। बाय चंदूला। हेलो 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 हेलो, देखिए भाई साहब, जो कुछ भी हुआ ना उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाथ तो तुम्हारा ही है, तो पूरा मुंह काला हो गया। नहीं नहीं नहीं, मुंह तो काला मेरे दोस्त ने किया। दोस्त? वो दो कमीने भी दोस्त बन के आए थे और मेरा मुंह काला करके गए पूरे गांव के सामने। उस दिन से मैं जब भी किसी का काला मुंह देखता हूँ, उस काले मुंह में मुझे अपना मुंह नजर आता है। ये देखो देखो। नहीं 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 नहीं, मैं साफ करता हूँ। क्यों भैया क्यों? मेरा मुंह है काला है, मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं मुझे प्रॉब्लम है, जब से मेरा मुंह काला हुआ है तब से आई हेट ब्लैक फेसेस। यू हेट
black? I hate what the black. F- is that? He hates blacks. What's wrong with you? He hates blacks. I'll see you. What? You have not? He hates blacks. Obama's the president of America and you still hate us? I said black face hate, not full body. He hates blacks. He hates blacks. So bad. Very bad, really bad. Excuse me. ये भीड़ क्यों जमा है? कुछ कालों ने अपने किसी इंडियन को मारा है। अच्छा, ये तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, यहाँ पे भी शुरू हो गया। कमाल है यार। अरे 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 अरे, लगता है बहुत पड़ी है बेचारे को। भाई साहब उठिए। अरे उठिए ना भाई साहब। पहचान लिया ना? फरिश्ते को कौन नहीं पहचानता? एक आप ही है जो मदद करने के लिए आ गया है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो धुंधला दिखाई दे रहा है, बहुत मारा है सालों ने। कितनी उंगलियां हैं? पहले पैर में से मोजे तो निकालिए, क्यों मजाक कर रहे? चलो अच्छा है, आ जाओ, तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ झंडू लाल। एक मिनट, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? न्यूज पेपर में न्यूज आया ना आपका, गांव में बैंक लूटा है ना आपने? नहीं नहीं, यहाँ भी छप गया। क्या हो रहा है? What's happening? What is this crowd for? Clear, clear. अरे आप, come on, move. अरे यश, तुम यहाँ? सर, सोशल वर्क कैसे चल रहा है? ठीक है सर। और हाँ, वो तुम्हारा दोस्त, वो साला चोर, चीटर, ब्लैकमेलर। देखो यश, तुम कितने शरीफ आदमी हो, उस ब्लैकमेलर की संगत क्यों रखते हो? छोड़ो उसे। सर, आप अपने कुत्ते को छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, नो वे। फिर वो तो इंसान का बच्चा है सर, बचपन से पाला है मैंने उसे। सुधार रहा हूँ सर, सुधर जाएगा। ए भाई, वो दुनिया को बाद में सुधारना, पहले मेरी हालत सुधारो। मुझे अस्पताल। चलो चलो सर, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मैंने छोड़ दूंगा। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू। अरे यश, तू कहाँ था यार? तुझे पता है झंडू लाल शहर में आ गया? तुझे भी मिला था क्या? तुझे मतलब तुझे भी? तेरा ये बैंक का जो चक्कर है, हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस पड़ोसी की तो। अबे तेरा लहंगा हमारे घर में क्यों फेंक रहा है? लहंगा? मेरी लुंगी तुमको लहंगा नजर आती है? अरे सुखा रहा था, हवा चली उड़ गई। ए भाई साहब, अपने गीले कपड़े अंदर सुखाओ ना। अगर मेरे गीले कपड़ों से इतनी तकलीफ हो रही है भाई साहब, तो भेज देता हूँ तुम्हारे घर पे, ड्राई करके, इस्त्री करके, हैंगर पे लटका के भेज दो। हमको क्या लॉन्ड्री वाले समझ रखा है क्या? क्या करे क्या इसका यार? फाड़ दे यार। फाड़ दूं? फाड़ दो। नहीं नहीं, शिट, मेरी हनीमून की लुंगी थी साले कोड़ियों, बहुत परेशान किया शहर ने मुझे। अरे बाप रे, लग गया। आज ये जाएगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। अरे अंदर कहाँ छुप के बैठ गया? अरे बाहर निकल। अरे छुपा नहीं हूँ मैं, गन ढूंढ रहा हूँ, गन। दो लोगों का मर्डर करने आया हूँ शहर में, चार तो हो गए, नो प्रॉब्लम। अरे आजा राज, छुप गए। मेरा दोस्त बोल रहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं तेरे को। अबे दोस्त की धमकी किसको देता है रे? आओ दोनों को देख लूंगा, आओ। अरे साला जो बोला वो करता। आजा भाई, हम लोग आ गए, देख ले। क्या गन नहीं मिल रही है क्या? गन तो मिल गई है मुझे, लेकिन अरे मंगल है यार, और मैं मंगल को मर्डर नहीं करता हूँ। क्या तकदीर है तुम्हारी, बच गए साले। अरे चल ना यार, चल यार। एक तो झंडू आ गया शहर में, ऊपर से ये। अरे टेंशन क्यों लेता है यार, इतना बड़ा शहर है, कहाँ ढूंढेगा हमें? दो चार दिन धक्के खाएगा फिर चला जाएगा। चल ना, छोड़ ना यार। आ आने की क्या जरूरत थी? आना पड़ा, ना तो तुम मिलते हो और ना ही फोन रिसीव करते हो। सौ काम होते हैं मुझे। अच्छा, सांस लेने की फुर्सत नहीं, खेलने की फुर्सत है। किससे बात कर रहे हो तुम? माइंड योर लैंग्वेज। डोंट शाउट एट मार्कोस। मार्कोस, बरसों से तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, आज इतने इंपेशेंट क्यों हो? करोड़ों के हीरे हैं, किसी की भी नीयत बदल सकती है।
और हीरे दिए हुए भी तो कितना टाइम हो गया। मार्कोस, इतनी बड़ी डील है, टाइम तो लगेगा ना। दो दिन, सिर्फ दो दिन देता हूँ तुझे। तीसरा दिन तेरा चौथा होगा। ये आदमी आपके लिए सरदर्द बन सकता है। और तुम जानते हो कि सर का दर्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बम, 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 बम। रिचर्ड, तुम्हारा कसीनो हमको हर हाल में चाहिए। मार्कस, रिविएरा इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कैसीनो इन ऑल ऑफ वेगास। दो दिन में तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। टू डेज। बॉस, ये मिनिस्टर क्या आप भी हैं? भागिए! Come on, come on, go to the front. Bloody minister! लगता है पिक्चर शुरू हो गया सर। साउंड क्वालिटी फिल्म नायडू। ऐसा लगता है जैसे बाहर गोलियां चल रही हैं। Oh God, ये तो सचमुच गोलियां चल रही हैं। इस बार भी बैकअप नहीं है सर। डोंट वरी नायडू, जरूरत भी नहीं। कम ऑन, मूव फास्ट नायडू, फास्ट। सर 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 सर। नायडू, नायडू। कौन सा सुपरमैन नायडू? सर, दोनों तरफ से बुलेट चल रही है सर। सर, अगर मुझे बुलेट लगे तो मैं मर जाऊंगा सर। प्लीज आप मुझको कवर कीजिए सर। मैं तुझे कवर करूंगा तो मुझे कौन कवर करेगा? सौरभ को तो और तुम बुलेट काटने की सर। दो बुलेट ऑलरेडी अंदर है, एक दो और चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है सर? Come on, move, 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 move. मार्कस, थैंक यू सर। सर 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 सर, आपकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई शेर गीदड़ पे पैर रख के खड़ा हुआ है। ये क्या है यश, अर्जुन ने मार्कस को पकड़ लिया? कमाल है यार, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। हाँ सर, मैं आता हूँ कल और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरा काम तमाम कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अर्जुन न छोड़ूंगा तुझे। डन डन डन। भाई साहब, लाइट चली गई है और अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। मेरा घर पास में ही है, मुझे छोड़ देंगे? कल सुबह बहुत जरूरी काम से निकलना है। आइए आइए। थैंक यू अंकल। एक बात बताइए, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो होने से पहले ही आप नाचते फिर रहे हैं? कल दो लोग मरने वाले हैं भाई। दो लोग मरने वाले हैं और आप खुशियां मना रहे हो? क्यों ना मनाओ। अरे साले कमीने थे दोनों, मेरे गांव आकर मेरा ही बैंक लूट कर चले गए। वही है वही। क्या क्या? नहीं, मेरा मतलब अंकल, आपको कैसे पता चला कि वो दोनों कमीने इसी शहर के हैं? अरे वो बेवकूफ साले अपना बैग छोड़ गए थे मेरे घर में। बैग वही छोड़ दिया? और कल तो दोनों मेरे हाथ लग जाएंगे बस। वो कैसे? फोटो थी ना बैग के अंदर। फोटो भी था बैग में? नहीं यार। नहीं, ये ठीक कर रहा है, फोटो बैग में नहीं थी, फोटो तो मेरी आंखों में है। घायल नागिन की तरफ बंद कर लिया है मैंने। सोचता हूँ किसी आर्टिस्ट को पकड़ कर उनका स्केच बनवा लूं, लेकिन अर्जुन साहब ने कहा कि कौन? अर्जुन साहब? अरे पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन साहब, बड़े नामी इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, घबराओ मत, पुलिस रिकॉर्ड में शहर के सारे क्रिमिनल्स की फोटो है। घर आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। मेरी फोटो जरूर होगी। रुको 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 बेटा, लगता है मेरा घर आ गया। करेक्ट करेक्ट। इस घर में आप रहते हैं? हुँ? और वो जो घर दिख रहा है ना, उसमें दो और कमीने रहते हैं। ए बाहर निकलो साले, मेरी लुंगी को लहंगा कहते हो? कल वो इंस्पेक्टर साहब को मिलके तुम्हारी पैंट का मैं स्कर्ट बनाने वाला हूँ। एक बार वो दोनों कमीने मेरे हाथ आ गए ना, इनकी तो मैं खटिया खड़ी करने वाला हूँ। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। जिस दिन इसने खटिया खड़ी कर दी ना, खड़े खड़े सोना पड़ेगा हमको। मैडम, ये फूल कहाँ फेंकूं? फेंकूं?
यहाँ रख दो। What's wrong, Naidu? मेरी फोटो नहीं छपी। जरूर छपेगी। तुम भी बहादुरी का कोई बड़ा काम करो। अरे तो साहब ने ऐसा क्या किया था? हम दोनों साथ में मार्कोस पर गिरे थे। गिरे थे मतलब? मतलब मार्कोस बेहोश पड़ा था जब साहब ने उसके ऊपर टांग रख दिया और फोटो खिंचवाना शुरू कर दिया था। मैं भी था साथ में, लेकिन मुझे वहां से धकेल दिया। ये देखो, ये आधा कटा हुआ सर मेरा है। बहादुरी का काम किया। झंडू लाल जी, आप सही जगह आए, आपका काम हो जाएगा। क्या हुआ? उन दोनों कमीनों को याद करते उनका चेहरा आंखों के सामने आ गया। ऐसा लगा जैसे अभी यहाँ से गए। कहाँ से? यहाँ से, आपके पीछे से। अरे यार, यहाँ चोरी करके क्या फायदा यार? अरे तभी तो झंडूलाल की नजर में अर्जुन हीरो से जीरो बनेगा। मार्कोस को पकड़ने का बहुत बड़ा इनाम मिला ना इसे। माल इसी तिजोरी में है। मैं मानता हूँ कि मार्कोस को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, और मेरी इस बहादुरी के लिए सरकार ने जो मुझे इनाम दिया है। नमस्कार भाभी जी, आप बड़ी नसीब वाली कि आपको ऐसा पति मिला। माय ड्यूटी सर। ये पति नहीं है तो परमेश्वर है। ये देखिए, बब्बर शेर है, बब्बर शेर, ये देखिए। भाभी जी, भाभी के देवर। अरे नहीं बेटी, इधर देख, किस एंगल से तुझे ये बब्बर शेर नजर आता है। कोई आ रहा है, जल्दी। अरे जल्दी, जल्दी जल्दी, टुक टुक ऊपर ऊपर ऊपर, बचाओ बचाओ। पूरी यहाँ तो जगह एक ही सीटे, आ जाओ जाओ। ओके, ऐसा बाहर हो क्या रहा है? भाभी जी, मैं देवी आ गई है। कौन? श्रीदेवी? मौत की देवी। लगता है वो इस कमरे में आ गई है। बाहर देखो यार। किसको? तुमको। कितने धोखे देगा काजल को? हाँ, वो सुबह से तेरे लिए खीर बना रही है और तू खीर खा। गरम है, गरम है, गरम का। खा लो पापा, खा लो, खा लो। नहीं तो हम सबको खानी पड़ेगी। खाओ पप्पर शेरा, खाओ। अरे ये आप कैसे खा रहे हैं? वो भी इतना गरम गरम। ठीक हो गई। मैं ठीक से खिलाती हूँ ना। मैम, मैम, this been a robbery. क्या? What? Robbery? पापा जी, घर में चोरी हो गई। मार्कस वाला इनाम गया। पुलिस को कंप्लेंट करो। पुलिस? हाँ हाँ, पुलिस को। अरे तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो और मैं कमिश्नर, हमारे खानदान की बदनामी होगी। भाई साहब, सबसे ज्यादा मदद की जरूरत तो आपको है। कम से कम कुत्ता तो ऐसा पालिए जो चोर के आने पर भौंके, जाने पर नहीं। और साथ में दो चार बॉडीगार्ड रखिए जो आपको आपकी बीवी से बचा सके। हाँ। और ये अखबार में जो झूठ मूठ की तस्वीरें छपवाते हैं बंद कर दीजिए। लोग बिना मतलब के सड़क पर नाचते फिरते हैं। बब्बर शेर? अरे तू तो आधा शेर या पाव शेर भी नहीं है। पोस्ट ऑफिस के लायक नहीं है, पुलिस में भर्ती हो गया। जब जब ये काजल से कामनी होती है, बड़ी बेइज्जती होती है। अगर काजल से प्यार नहीं होता ना, तो मैं इस कामनी का गला दबा देता। संजना, क्या बात है, इतना हंस क्यों रही है? मिस यूनिवर्स का फोटो छपा है। देखो देखो, किस किस को बना देते हैं मिस यूनिवर्स। दिस गाइस आर कमिंग टू साइड, कम हर्री अप, कम फास्ट। क्यों कर रही है तुम सब लड़के मिलकर मासूम साइड?
वजह से हम सब लड़कियां ऐसे इतना प्यार करती है और आज पता चला कि वो किसी संजना से प्यार करता है। संजना? हाँ, कहते हैं she's the most beautiful woman in the world. अभी मुझे देखो, मुझमें क्या कमी है? Miss Durban हूँ मैं। कैसे बन गई? क्या? I mean, बुद्धू कैसे बन गई? ऐसा क्या है इसमें? अरे गौर से देखिएगा, इसमें क्या नहीं है? सामने आता है तो दिल धक धक करने लगता है। लेकिन अगर ये संजना से प्यार करता है तो उसे बताया क्यों नहीं? ये बताएगा? अरे इसकी ईगो, इसका एरोगेंस जानती हो? वो मर भी जाएगा लेकिन आई लव यू नहीं बोलेगा। बोलना तो संजना को ही पड़ेगा। कम ऑन, राउंड द बॉक्स, किसी को जाने मत देना। चलो हरी, ब्रेक इट अप, ब्रेक इट अप, हरी, डोंट लेट देम गो, टेक देम इनसाइड, कम ऑन सर। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ घर की लड़की हूँ। अच्छा, घर कहाँ? इस साले को अगर असलियत का पता चल गया तो सारी रात लॉकअप में कट जाएगी। हाँ? शरीफ घर की और घर याद नहीं आ रहा? अच्छा ये बताओ, बड़े घर चलना या मेरे घर चलना? सर डोंट वरी, मेरी वाइफ मैके गई है। ऐसे मत देख नायडू, तुम जानते हो मैं शरीफ आदमी हूँ। दरअसल शादी से पहले जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, हूबहू सेम टू सेम बिल्कुल इसके जैसी थी, कम बेबी कम। साहब की गर्लफ्रेंड इतनी मर्दाना थी? संभाल के कहीं विघ्न निकल जाए। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि कहीं मेरा दम ना निकल जाए। हाय हाय, यही अदाएं तो साली बीवियों में नहीं होती। आओ मेरी जान। अरे इतनी खूबसूरत बीवी और प्यारी सी बच्ची है तुम्हारी। हाँ। तुम मर्द लोग हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मर्द लोग तो होते ही कुत्ते हैं। लेकिन मैं मजबूर हूँ, बरसों से मुझे अपनी बीवी का प्यार ही नहीं मिला। क्या? एक दिन हम दोनों प्यार कर रहे थे, बीच में ही उसे दौरा पड़ा, स्प्लिट पर्सनालिटी का, पता ही नहीं चला कब सर फटा कब खून बहा। तब से बीवी के पास जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। अरे 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 मेरी जान, तुम तो वाकई बहुत दुखी है। हाँ, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जो होगा देखा जाएगा, ओके? जो होगा देखा जाएगा मतलब? मुझे एड्स है ना। एड्स? अरे कहाँ गए बत्ती बुझाने? नहीं बहन, तुम्हारे लिए टैक्सी लाने। Yes, yes, yes. Surprise! तुम घर वापस कैसे आ गई? और टुक टुक? क्या करती जान? हा? तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगा? हा? लेकिन वो टुक टुक, वो अपने नाना के पास रहने के लिए जिद कर रही थी। So I left her there. Anyway, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अंदर मत जाना। क्यों? अंदर कोई है? कौन? मेरी बहन, मेरा मतलब मुंह बोली बहन। मुंह बोली मतलब? ये बहन है? अरे दोस्त हूँ भाभी जी, वो क्या इसकी कोई बहन तो है नहीं, इसलिए मैंने एक बार जो राखी बांधी तब से लेके आज तक वो मुझे बहन बहन ही कहता है। थैंक्स फॉर द क्लोज आंसर, मेरे थोड़े खराब हो गए थे। सो नाइस टू मीट यू, मैं चलता हूँ। नाइस टू मीट यू टू। चलो। बहन नहीं बाप हो तेरा ठरकी, समझा? ओके ओके बाय बाय। हाय राज। हाय। तुम शादी में नहीं जा रहे हो? किसकी शादी? संजना की। कम ऑन गर्ल, यू आर गेटिंग लेट, कम ऑन, कम ऑन। कांग्रेट्स संजना। ओह थैंक यू। हाय, सॉरी। ओह इट्स ओके। मुझे शादी में बुलाया तक नहीं। सब इतना जल्दी जल्दी हुआ, कितने दोस्तों को बुलाना भूल गई। Who's the lucky one? तुम्हारी पसंद है, हैंडसम होगा? नहीं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज ही समझो। कॉम्प्रोमाइज? और नहीं तो क्या,
मेरे लायक तो कोई बना ही नहीं है, लेकिन एक क्वालिटी है उसमें, कोई ईगो कोई एरोगेंस नहीं है, बस उठते बैठते सोते जागते आई लव यू संजना आई लव यू संजना आई लव यू संजना बोलता ही रहता है। आई लव यू बोलता है? तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? नहीं, करता भी है? करता तो हाँ हाँ, तुम कुछ कह रहे हो? इट्स टू लेट, शादी अभी हुई नहीं है, कैंसिल भी तो हो सकती है ना। क्या? तुम मुझे जानते कहाँ हो, मैं बहुत बड़ी वाली पागल हूँ, और अगर हम मुझे उससे अच्छा ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मिले तो why not? संजना, I also really love you. Really? Yes, I love you very much. लेकिन तुम ये अचानक मुझसे? नहीं, अचानक नहीं, याद है जब हम पहली बार मिले थे, वो टीवी प्लाज्मा, वो इंडिका फरारी, तभी हो गया। I swear मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने बोल दिया ना I love you, चल अब तो मेरी शादी करवा दे। इसकी शादी है, मैंने कहा दो गाउन बनवा ले, किसी से आई लव यू बुलवाना है, चलो। सच में बहुत बड़ी वाली पागल है। पापा, राज आ गए। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम बाबूजी, आओ जी। पूरे शहर में कमिश्नर की बेटी ही मिली थी तुझे? हाँ, ये कमिश्नर? अबे छोटे चोर, कभी हवलदार और इंस्पेक्टर के ऊपर गया तू? सर आइए आइए आइए। यश, राज का बड़ा भाई। हाँ? यश राज? नहीं नहीं नहीं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वी आर अंबानीज। अंबानीज? नहीं 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 नहीं, उनसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं, दे आर इंडियंस एंड वी आर फॉरेनर्स, एनआरआईज। ओके ओके ओके, बैठिए बैठिए। पापा राज कह रहे थे कि शादी होते ही रिलायंस खरीद लेंगे। हाँ? बैठिए ना सर। हेलो सर। हेलो। नो प्रॉब्लम। तुम क्या रामलाल, इस महीने मिले नहीं? अभी सैलरी मिलने में टाइम है। तुम जानते हो मेरे नौकर को? बात यह है कि मेरा छोटा भाई एक सोशल वर्कर है, छोटे लोगों के लिए खास हमदर्दी है इसके दिल में, जैसे कि नौकर चाकर बावर्ची ड्राइवर, गरीबों का सहारा ही है, उनके पैसे छीन लेता है। हाँ? फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए। ओह, आई कांट बिलीव इट। तुम्हारे पास थोड़ा जहर मिलेगा, जहर फिनेल से काम चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा, उस राज के मिल्क शेक में मिला के उसे पिला देता हूँ। दीदी और जीजा जी भी आ गए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यश अर्जुन, अब तो तुझे भगवान ही बचा सकता है। ये कहाँ गया? बड़ा रिलीजियस है मेरा भाई, मंदिर पे लेट नजर पड़ी ना इसकी। अरे यश तुम? अरे सर। आप इन्हें जानते हैं? अरे काजल, ये शहर के बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। नमस्ते। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा छोटा भाई सोशल वर्कर है। वो भी है सर, वो छोटा मोटा है, मैं उससे थोड़ा बड़ा हूँ। प्लीज मुझे आज इस कमीने से बचा लो भगवान। यश तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा छोटा भाई भी है? सर आपने कभी पूछा ही नहीं। सर संजना की कसम, आज के बाद सब कुछ बंद, चोरी ब्लैक। अरे यार, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें मिल गई भगवान से, और क्या मांग रहे हो मेरे दोस्त? तू कुत्ते कमीने, तेरी ये हिम्मत तो साली बीवियों में नहीं होती। यही नहीं, पूरा है पूरा, समझा? रेट डालकर गंदी गंदी लड़के को घर ले जाते हो। संजना चुप चुप, मुंह खोला तो मारूंगा, दोस्त होकर मिलता नहीं है। ऊपर से मेरी साली से रिश्ता तय करना है, वो भी मुझे बिना बताए। काजल पहचाना इसे? अरे कैसे नहीं पहचानेगी भाभी जी, कैसी है आप? Oh my God! अरे कमाल है, सब एक दूसरे को पहचानते हैं। हम भी अच्छी तरह पहचानते हैं, आपके लिए दूसरा आ रहा है, ये स्पेशली राज्य के लिए हमने बनाया है। राजी, ये स्पेशली आपके लिए है। भूल गए ना रामलाल, आज संडे है यार, संडे में व्रत रखता हूँ। भूल गए, कुत्ते कमीने, कीड़े पड़े तुझे। आओ बैठो 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 प्लीज। ये कमीना अगर इस घर में आ गया तो पूरे घर का कुंडा कर देगा। कमिश्नर साहब बगैर अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते। अच्छा एक काम करेंगे, ये जो दो फोटो है ये उन तक पहुँचा देंगे आप, ये दोनों तो अंदर ही है। हाँ, और इनके साथ तो साहब की छोटी बेटी की शादी तय हो रही है। तो मैं रिश्ता पक्का समझू? अरे भाई मेरी तरफ से नो प्रॉब्लम, बस काजल और अर्जुन। क्या बोलते हैं अर्जुन? मैं सोच रहा था पापा जी के। थैंक गॉड टूटा नहीं, जो भी अंदर था सेफ है, सेफ है। आप कुछ सोच रहे थे? सोचना क्या है, सोचने में अक्सर अच्छे लड़के हाथ से निकल जाते हैं, तुम्हारे जैसे। तो मतलब कि ये रिश्ता पक्का? चलो चलो चलो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा। ये समोसा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। क्या
ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है, है? या सोचा क्या था तुमने कि तुम गांव छोड़कर शहर चले जाओगे और मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा? आप मैं माँ इनकी माँ मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी वी लव यू भांजे भांजे क्या सोचा था मामा मर गया होगा रिश्ते की बात करने अकेले ही चला बताया तक नहीं गलती हो गई मामा जी गलती हो गई दुख रहा है अरे अंकल जी आप तो वही है ना जिनका वो दो कमीने बैंक लूट कर भाग गए थे जी 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 वो मिले कि नहीं जी मिल गए और पैसे वो भी मिल जाएंगे प्यार से देंगे तो ठीक है वरना पुलिस डिपार्टमेंट वो तो अपना है ही नंगा उल्टा करके मारेंगे हाँ सुना ये सुना मामा जी ये मारने मरने की बात छोड़िए बहू से मिली है ना हेलो मामा जी हाँ जीती रहो बेटिया जीती समझे जी मंगनी कब तय की है कल संजना का जन्मदिन है अगर आप कहें तो कल ही मंजूर 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 तू है मेरा विश्वास टूट गया कभी कभी खुशी में इंसान पागल हो जाता है मामा जी दुख में भी हो जाता है मैं हो गया था ना बोलिए बताओ मेरे पैसे कहाँ पैसे खर्च हो गए मामा जी खर्च हो गए सब क्या है ना मामा जी एक ही बैंक लूटा था ना दो चार बैंक लूटे होते तब भी खर्च हो जाते खर्चीले लोग हैं ना हम लोग तो फिर इसकी मंगनी कैसे होगी देखिए मामा जी मेरी मंगनी को बीच में मत लाओ तुम भी बीच में हो भांजे और तुम्हारी होने वाली मंगनी भी बीच में है राज इनकी हंसी पर ब्रेक लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है नहीं चोरी नहीं करूंगा मैं चोरी नहीं करेगा अरे कहां टेढ़े होके जा रहे हो यहां खड़े होके बात कीजिए यार मैंने अभी अंदर संजना की कसम खाई है कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा यार आज के बाद ना हां अरे आज तो 12 बजे रात तक है 11 बजे काम खत्म कर लेंगे सुन मिनिस्टर के घर पे चोरी करने का फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास मामा जी आप घर जाइए हम पैसे लेके वहां पहुंचते घर मेरा घर तुमको पता नहीं है तुम्हारा घर मुझे पता नहीं लेकिन मामा जी अरे काहे का मामा होगा तेरा बाप जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते मैं तुम दोनों के पीछे परछाई की तरह लगा रहूंगा समझ गए ये समझ लो कि मैं आज से तुम्हारा बॉस हूं और जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम लोग करोगे समझे ओके बॉस ओके सी दैट क्रिमिनल मार्कस कमिट सुसाइड इन जेल फनी आखिरी बार पूछ रहे हैं डायमंड्स कहां हैं वरना कल सुबह की ब्रेकिंग न्यूज यही होगी How's that? You'll be finished. Funny, huh? Take me out now. Quick! Stop them! He's Marcos! Thank you.
तूने तो कहा था दो ही कुत्ते हैं, ये तीसरा कहां से आ गया? अरे तीसरा नया पाला होगा, चलो। अरे यार 40 फीट की दीवार चढ़ा दी और गेट तो खुला हुआ है। और ये लो, ये गार्ड है, ये तो सोया हुआ है। अरे सोया है तो उठाते हैं, चलो। तुझे बचाने वाले मर चुके हैं मार्कोस, प्लीज। मार्कोस प्लीज। मिनिस्टर ने तो घर में ही बैंक खोल लिया है। एक काम करो यश, जितने इनको देने ना उतना ही निकालो। ले आजा गिन ले। मैंने गिनना नहीं है, बैंक का गिन के लुटा था। मैं मैनेजर हूं, मुझे पता है इतना ही था। ले लो उठाओ। हीरे कहां? उप तिजोरी में। ला ला। देखिए बॉस, गांव कल सुबह की ट्रेन के बजाय शाम की फ्लाइट से जाना पड़ेगा आपको। क्यों? अरे कल मेरी मंगनी है ना, लोग क्या बोलेंगे, मामा जी कहां हैं? ओह तो फिर तो तुम्हारी शादी में भी आना पड़ेगा। अरे शादी के लिए बहुत टाइम है, बोल देंगे कि मामा जी मर गए। लगता है कोई आ रहा है। अरे आ रहा है तो भागो। चल लेके आ इसको घर। चल मार्कोस, मार्कोस, मार्कोस की चोरी हुई है। क्या? हाँ मार्कोस की चोरी हुई है। मार्कोस वो डायमंड के साथ मेरे सब कुछ उठा के ले गए। मुझे मालूम था तू ऐसे बहाने बनाएगा। इन हीरो के लिए मैंने 500 कौन किए। और तू बोलता है कि मार्कोस हीरो के साथ साथ वो लोग मेरा सामान भी लेंगे। शक्ल से इडियट लगते हैं हम तेरे को। मुझे मेरे हीरे चाहिए, मुझे मेरे हीरे चाहिए, मुझे मेरे हीरे चाहिए, चाहिए, मुझे चाहिए। रुक जाओ, चाहिए, सुफिया रो, चाहिए, 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 चाहिए। मर गया तो डायमंड्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेगी डायमंड्स, प्लीज। सॉरी 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 ओल्ड मैन, सॉरी डीसी, चल ऐसे झटका दे। कम ऑन माय डियर मिनिस्टर, कम ऑन, आ जाओ। अबे उठ। बॉस ये तो मर गया साला। आप ही ने तो कहा था बॉस। मैंने बोला था झटका देने, मार तो मैं भी सकता था गधे। बर्बाद हो गए। गलती हो गई बॉस। तू ऐसे क्या रो रहा है टकले, तेरा बाप मरा क्या? इन्हें भी आज ही मरना था। पुलिस वालों की भी कोई पर्सनल लाइफ होती है। डेफिनेटली सर। घर में संजना की एंगेजमेंट है, हजारों काम पड़े हैं और ये यहाँ पड़े हैं। खैर तुम ये बताओ, मर्डर वेपन जिससे मर्डर किया गया वो वायर मिला? नहीं सर, मुजरिम ने अपने पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ा है सर। नायडू, मुजरिम जुर्म बाद में करता है, सबूत पहले छोड़ता है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। सर सर, सर? क्या सर सर, तुम्हें क्या लगता मैं गिरा? हाँ? अरे मैं जानबूझकर अंदर घुसा था। ये लेने, जिसने भी तिजोरी खोली होगी उसकी तस्वीर इसमें छपी होगी, तुम इसे डेवलप कराओ और डायरेक्टली वहीं पहुंचो। ओके? यस सर। ये क्या मजाक है अर्जुन साहब, हमने किया क्या?
मिनिस्टर सान्याल का मर्डर। मर्डर? क्या मर्डर? नहीं नहीं अर्जुन साहब, हमने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया, हम तो सिर्फ चोरी करने गए थे। अरे क्या बकवास कर रहा है तू यार? मर्डर का फंदा हमारे गले में डाल रहा है, इसलिए सच्चाई बता रहा हूँ यार। शरप शरप प्लीज यार, मंगनी की खुशी में पागल हो गया बेचारा। हाँ। अरे अर्जुन साहब, आप जानते हो मैं कितना शरीफ इंसान हूँ। शरीफ, ये देखो तुम्हारी शराफत। उतार ये शराफत का चश्मा, आज मैं तेरी असली शक्ल तो देखूं। बॉस? हाँ मामा जी, तो तुम इनके बॉस हो? अरे नहीं नहीं, नहीं ना मैं इनका मामा हूँ ना मैं इनका बॉस हूँ, मैं तो टोटल लॉस हूँ सर। सर मेरे बीवी बच्चे मेरा पूरा गांव इंतजार कर रहा है, और मेरा तो फ्लाइट का टाइम भी हो गया सर, आप मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। देख लीजिए सर, आप खुद देख लीजिए, हमने तो सिर्फ चोरी की, मर्डर नहीं। अर्जुन साहब आप तो मुझे बरसों से जानते हैं, छोटा मोटा चोर हूं मैं, लोगों को ब्लैकमेल करता हूं, याद है कि नहीं सर? ये सब डिस्कशन यहाँ नहीं, कोर्ट में करना, कोर्ट में। ले जाओ इन्हें। दीदी देखिए ना चीजा जी ने क्या कर दिया। तुम्हें मालूम था कि ये चोर है, ब्लैकमेलर है, फिर भी तुमने? अरे पापा जी, मैं तो कहता हूँ पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए, और ये देखिए कि मैंने सही वक्त पर सही एक्शन लेकर संजना की जिंदगी आबाद कर दी। बर्बाद भी तो तूने ही करी है ना कमीने। अरे रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। अर्जुन पॉपकॉर्न ब्रेक। कल तक तो मैंने सिर्फ बैंक ही लूटा था, और आज तो मैंने मर्डर भी कर दिया। मिनिस्टर का मर्डर। ए बॉस, पुलिस के सामने कन्फेशन कर रहे हो, मर्डर तुमने किया है क्या? तो बैंक भी कौन सा मैंने लूटा है, लेकिन इल्जाम तो है ना सर पे। साले कोडियो, तुम्हारी वजह से फंस गया हूँ मैं यहाँ। फंसाया तो तुम दोनों ने है मुझे, बैंक तुम्हारा था, लूटा इसने, फंस गया मैं। अच्छा खासा उंगली में अंगूठी डाल रही थी, हाथों में हथकड़ियां डलवा दी। वाह 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 वाह, सारा बिल मेरे नाम पर फाड़ दिया। हाँ, तुम्हें वो पागल लड़की चाहिए थी, तुम्हें पैसे चाहिए थे, तुम दोनों को बचाने के चक्कर में मैं फंस गया हूँ। ये समझ में आ गया कि हम तीनों फंसे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसकी वजह से फंसा है। ये रुक क्यों गई? शूटिंग चल रही है फिल्म की। पता है वो जो कमीना ब्लैकमेल है ना, वो अंदर हो गया, और उसका जो दोस्त था ना शरीफ दोस्त, चश्मा लगा कर घूमता था, वो तो बड़ा चोर निकला, मर्डर। फांसी होगी फांसी। अरे भाई साहब आप भी लड्डू खाइए ना, लीजिए। अरे शर्माइए मत, लीजिए। बड़े लड्डू शड्डू बांट रहे तू, फांसी पे चढ़ने से पहले ये तेरा घर तोड़वा देगा। नहीं 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 प्लीज, तेरे फिल्म के लिए एक सीन सोचा है मैंने, पुलिस स्टेशन में आके मिल। क्या बात है सर, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उन तीनों ने बर्बाद कर दिया मुझे, पूरी फैमिली कैसे कैसे सवाल कर रही है, क्या क्या जवाब दूं? टॉर्चर रूम में लाओ सालों को। यस सर। शूटिंग चल रही है? हाँ सर। एक्चुअली सर, इस फिल्म के डायरेक्टर को एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की तलाश थी, मैंने कहा इस रोल के लिए हमारे हिसाब से अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। फिल्म में काम करोगे? क्यों नहीं करेंगे, शौक है किसको नहीं है, एक्टिंग आती है। हीरो का रोल है सर, इसमें करना ही क्या है। मैंने जो तुम्हें सीन समझाया इसको समझा देना। अरे लाइटिंग रेडी हो गई भास्कर। सर यहाँ पे तीन कैदी बंद है जिन पर मर्डर का इल्जाम है, लेकिन आप जानते हैं कि वो मासूम है, आप तीनों को यहाँ से भगा देते हैं। सीन अच्छा है? अच्छा है ना सर। हाँ। लेकिन ये तीन मासूम कैदी है कौन? ये है सर, ये चोर, ब्लैकमेलर, मर्डरर, ये मासूम है। अरे ये तो अपने बचपन में भी मासूम नहीं रहे होंगे। लेकिन फिल्म में है, फिल्म में जो होता है वो नहीं होता है, और जो नहीं होता है वही तो होता है। ये कल्प्रिट्स हैं, लेकिन आपकी नजर में इनोसेंट हैं। आप इनसे नफरत करते हैं, लेकिन आपको प्यार दिखाना है, यही तो आपकी एक्टिंग का इम्तिहान है। कर पाओगे ना? नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। सवाल ही नहीं, फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे, फेल। फेल है। सलमान को बोलो। म्यूजिक डायरेक्टर साहब, कट बोलो कट। अरे सर, डायरेक्टर साहब आर्टिस्टों के साथ भाग गए।
यस सर। पक्के? थैंक यू ओपी साहब, थैंक यू वेरी मच, कमाल किया आपने। आपके अभी सारी वो अय्याशियों के टेप्स मैं वापस कर दूंगा। पहले मेरे बीवी बच्चे को तो वापस कर दो। बीवी बच्चे? हाँ, तुम लोगों को बचाने के लिए तुम्हारे आदमियों ने उन्हें किडनैप कर लिया है। कौन? हमारे आदमियों ने। वेलकम मार्कस। हाय बेबीज। हेलो बॉयज। कोका, वंस इन अ ब्लू मून तेरे बीवी बच्चे घर पहुंच जाएंगे, तू भी जा। गुड शॉट। हीरे कहाँ? हीरे? ये साले हीरे का नया चैप्टर क्या शुरू हो गया? कौन से हीरे? वही हीरे जो हमारे पहुंचने से पहले मिनिस्टर की तिजोरी से तुम लोगों ने निकाल लिए। देखिए सर, कुछ कंफ्यूजन है। चोरी हमने की, लेकिन तिजोरी में कोई हीरे वीरे नहीं थे। मंत्री ने बोला हीरे तिजोरी में मारा गया, और ये साले हरामजादे बोलते हैं कि तिजोरी में हीरे थे ही नहीं। एक बात कहूँ मार्कस भाई? हाँ, क्यों नहीं अंकल, तुम तो उनके बॉस हो यार, बोलो। बस बिना ड्राइवर के चल रही है। आप सब लोग सवाल पूछिए, एक आदमी को बस चलाने दीजिए ना प्लीज। करोड़ों के हीरे है, बड़ी मुश्किल से हमने चुराए थे, बड़ी आसानी से तुम लोगों को मिल गए, तो नेचुरली आसानी से बताओगे तो नहीं। सही बात है, करोड़ों के हीरे हों तो कोई मुश्किल से भी नहीं बताएगा। मार्कस भाई, बस खाई में जा रही है। मार्कस भाई। टंबो। यस बॉस। टंबो, मैं बता तो टंबो जल्दी। डार्लिंग, कहाँ हो तुम? अजी बिल्कुल नए किस्म का दौरा पड़ा है, 24 घंटे में तीसरा अटैक है, और पापा जी ये बच्ची जैसी क्यों बात कर रही है? तीनों मुजरिम भाग गए और तुमको पता तक नहीं चला। अरे पता चला, उन तीनों को पकड़ भी सकता था, लेकिन डायरेक्टर ने कट नहीं बोला ना, क्या करता, शॉट खराब कर देता। हीरो बनने की क्या जरूरत थी? मैं तो कहता हूँ पुरानी बातों पर मिट्टी डालो डार्लिंग। तुम्हारा डैडी हूँ अर्जुन, वो है। आज तक मैंने कभी स्टेशन पे ट्रेन का वेट नहीं किया, आज पटरी पे लेट के कर रहा हूँ, मेरी बीवी मेरे बच्चे। ये आ गया, हमको बचाने वाला फरिश्ता आ गया। आजा भाई, हमको बचाने वाला फरिश्ता आ गया है, आजा। भाई साहब कर क्या रहे हैं? मर रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा है, सुसाइड कर रहा हूं। क्या किस्मत है, हमें जो बचाना है वही मरने जा रहे हैं। भाई आप मर जाओ, लेकिन पहले हमें तो बचा लो प्लीज। देख रहे हो आप, ये दुनिया बची है जीने लायक इस तरह के लोग, तो क्यों जूं मैं? सब जीना चाहते हैं, मरने वाले से साला कोई नहीं पूछ रहा कि भाई क्यों मरना चाह रहा हूं। बचने के बाद हम पूछने वाले थे सर। नहीं नहीं, हम पहले ही पूछ लेते, भाई अब क्यों मरने जा रहे हैं? अफगानिस्तान में मेरी पूरी फैमिली को बम से उड़ा दिया, माँ बाप बीवी छोटे छोटे बच्चे, एक बम आया और धड़ाम
फोटो रखी है मेरे पास। मैं नहीं नहीं भाई, यकीन है, यकीन है। लेकिन भाई साहब हमने थोड़ी मारा है उन्हें। अरे तो बचाए भी तो नहीं ना यार, फिर क्यों जिंदा रहना चाहते हो और जी के करोगे क्या? मान लो आज अगर बच भी गए तो कल को किसी गोली से मर जाओगे, परसों बम से उड़ा दिए जाओगे, तो बेहतर है कि आज चुपचाप लेट के मर जाओ। बात सही है भाई, सही बात है। नमस्ते। क्या होगा अब? अगर स्लो ट्रेन आएगी ना तो आस्ते आस्ते कटेंगे, और अगर फास्ट ट्रेन आई ना तो कट 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 कीमा। तो चौथा कौन है? पर गोलियां! अरे खोल! मरने आया है। आए! आए! कौन सी ट्रैक पे चला रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। फिर बचा लिया ना, जानता है ना कि ऊपर आया तो बहुत सारे सवाल करूंगा। ये क्या है? स्टॉप इट! भारी किस्मत, मरना कौन चाहता है और मर कौन रहा है? Stop the train! Damn it, Danny Loco! Stop the train! Diamonds! यार तू मुझ पे शक कर रहा है? और किस पे करूं? तिजोरी से पैसे निकालकर मैंने तुझे दिए थे। अरे बैग तो उसी वक्त बॉस को दे दिया था यार, तेरे सामने। ए, 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 मुझ पर हाथ मत उठाना। साले चोरो, अपनी तरह समझते हो क्या मुझे? अरे ईमानदार आदमी हूँ मैं। तेरी कसम यश, हीरे मेरे पास नहीं है। और मैं भी मेरे बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ। तो फिर डायमंड्स गए कहाँ हैं? मार्कोस के पास नहीं है, तुम लोगों के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो डायमंड्स गए कहाँ? मैं एक बात कहूँ? हाँ बोल। मेहरबानी करके गुस्सा मत होना। अरे बोलना। हमने तो खा ली, तू भी तो कसम खा। बॉस, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता कुछ नहीं है, लेकिन तुम आदमी प्यारे हो यार। और ये तो बचपन से मेरा प्यारा है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा जिगर है। मैं तुम दोनों के सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मेरे पास हीरे नहीं है। नायक नहीं, खलनायक है तू। अर्जुन बड़ा दुखदायक है तू। अर्जुन तुमने तो केस एकदम ही खराब कर दिया है। अरे ये क्या है? पहले दिन का एक दौरा पड़ता था, वो भी 10 मिनट का। अब दिन के तीन तीन चार चार दौरे पड़ते हैं, वो भी दो दो तीन तीन घंटे के। अरे इसकी बहन की तुमने मंगनी तुड़वा दी, बाप की इज्जत तुड़वा दी, बच्ची की स्कूल छुड़वा दी। अरे पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए डॉक्टर साहब, अब ये बताइए ठीक कैसे होगी? अब ठीक नहीं होगी ये, अब इसका ठीक होना इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कम से कम इसे पहली वाली हालत में ले आइए। दिन का एक दौरा, वो 10 मिनट वाला। हाँ डॉक्टर साहब, उसकी तो हमें आदत भी पड़ चुकी है। तो शॉक ट्रीटमेंट दो, इसके लिए कुछ ऐसा करो जिसकी इसे बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। खुशी दो, खुशी। तुमने इसकी बहन की मंगनी तुड़वाई थी ना, तुम इसकी बहन की शादी करवा दो। मगर किससे? अरे कुत्ते बिल्ली से। हाँ? मेरा मतलब है किसी से भी। किसी से भी तो अपना डीएचजी का बेटा क्या बुरा है? राहुल अपनी संजना को पसंद भी करता है। मगर संजना मानेगी क्या? अरे पापा जी, इश्क में चोट खाए हुए लोग खून कर देते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, तो शादी क्या चीज है? मना लेंगे उससे? आप बस शादी की तैयारी कीजिए। शादी नहीं होने दूंगा और मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। देख यश गया खाना लेने, वो आ जाए बाद में हम सोचते हैं। सोचने समझने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा, वहाँ पे पुलिस है, भुट्टे की तरह फूंक डालेंगे तुझे। संजना के बिना जीकर भी क्या करूंगा मैं? मेरे जीते जी मैं उसे किसी और के नहीं होने दूंगा। राज, राज! एक वो साला खाना लेने गए, पता नहीं कब आएगा, और ये गए गोली खाने, जो कभी नहीं आएगा। राज, राज! नहीं नहीं रोना नहीं, इतनी अच्छी लग रही हो, मेकअप खराब हो जाएगा। इसीलिए तो अंदर ही अंदर रो रही हूँ दीदी। भूल जाओ उस धोखेबाज को, वो एक चुपी था, लेकिन मेरा पहला प्यार था। सोते जागते उठते बैठते बस वही नजर आता है। ओ गॉड, क्या हुआ? अभी भी लग रहा है जैसे सामने से वही चला रहा है। तू भी ना, लग नहीं रहा है वही है। जी साहब, ये वही लड़का है। शादी कर रही हूँ। और तुम्हें किस तरह सजा देती? तुम्हारी हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन ये नहीं। तुम चलो मेरे साथ, वरना मैं। वरना क्या करोगे तुम? वरना क्या बचे,
बोलता क्यों नहीं है? बोल ना, वरना क्या कर लोगे? जान ले लूंगा। गोली चलाओगे तुम? चलाओ गोली। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम पर गोली चलाऊंगा? राज, नहीं राज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम भी कहां जानती हो कि मैं कितना बड़ा पागल हूं। अरे टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं किसी की वजह से अपनी पिस्तौल में गोलियां नहीं रखता। ए बॉयज, अरेस्ट हिम। शाबाश। ऐसे नहीं होते। लेकिन मेरी रिवॉल्वर कभी खाली नहीं रहती। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो सबसे पहले ये दुला जाएगा। और दूल्हे के बाद एक एक करके बार आती। चंडो, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। अरे हमने तो बिना पता किए पता नहीं क्या क्या कर डाला। बताइए, इतने बड़े बॉस क्या ऐसे ही बन गए? अरे बैग कैसा है? अरे ऊपर पड़ा था, उठा लिया। बहू को मुंह दिखाई में कुछ देना तो पड़ेगा ना। एक तीर और है मेरे पास। है? निकाल। तुमने DIG के बेटे पर गन रखी है। DIG? इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? अरे तुम तो कह रहे थे कि संजना की शादी किसी गधे के बेटे से करवा रहे हैं। हाँ, DIG साहब का सरनेम गधा है ना। No problem. यार तुम लोग मेरे से क्या क्या करवा रहे हो, सारे कमीनों। बाबूजी, लाइट बंद कर दिया मैंने, अब वो हमें देख नहीं पाएंगे। पकड़ लो जल्दी। अरे पकड़ लो। भाग गए। पेट्रोल फेस पे नहीं, फेस पे नहीं, कहीं भी फेंकना, फेस पे नहीं, फेस पे नहीं। अभी भी टाइम है। देखो ये रही मिनिस्टर के मर्डर की रिकॉर्डिंग। देखो अपनी बेगुनाही का सबूत ले लो और हीरे दे दो। हीरे भाई, कितनी बार बताया आपको हीरे हमारे पास नहीं है। अरे है, माने का आइडिया है। ये टेप हमको दे दो ताकि इससे हम अपने आप को बेगुनाह साबित कर दे और फिर साथ में मिलकर हीरे ढूंढेंगे ना। इतने बड़े हरामियों से पाला पड़ा है, ये साले ऐसे नहीं मानेंगे। अम्बो, मसाज कर, ठीक से मसाज कर इसको। मेरी क्यों यार? तेरे दिमाग में बहुत आइडिया आते हैं ना, ये पेट्रोल तेरे दिमाग में जाएगा और तेरे सब आइडिया को जला के राख कर देगा। ए, तू क्या देख रहा है? ये देख, गीला नहीं हुआ, गीला करना। अरे कुछ नहीं होगा बॉस, जब तक हीरे हमारे पास है। पर हमारे पास हीरे कहाँ है यार? हा? अरे इन्हें लगता है ना हमारे पास है। जब तक इन्हें लगता है कि हीरे हमारे पास है, ये हमें मार ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, हम आप लोगों को नहीं मारेंगे, हम सिर्फ जलाएंगे। हम जलाएंगे, ये बुझाएगी। हम फिर जलाएंगे, ये फिर बुझाएगी। बॉस ऐसा नहीं हो सकता कि ये जलाएं तुम बुझाओ, फिर ये जलाएं फिर तुम बुझाओ। उसे क्या होगा, तुम जलोगे नहीं? जलेंगे, अरे बिल्कुल जलेंगे, लेकिन उस जलने की जलन में जलने जैसी जलन नहीं होगी ना। क्या मतलब इसका? मतलब क्या इसका? अरे ये जरूरी है कि हर चीज का मतलब हो यार। अरे लेकिन मतलब क्या है इसका? एक मिनट ये बोल, जलने की जलन में जलने जैसी जलन नहीं होगी। जलने की जलन में बॉस? तू बकवास क्या कर रहा है? तू डालना, मैं जलाता हूँ। अरे बॉस, ये जलने की उम्र नहीं है। पानी मारो। अरे पीछे वाले से आग लग गई। अरे अरे खुल नहीं रहा। अरे गुड बॉय। अरे जलने की जलने का लालच होगी बॉस। अरे नहीं बचा। अरे कोई तो बचा। अरे मेरे बॉस, कमाल क्या है कमाल? चलो चलो मेरे पीछे पीछे चलो। आराम से आओ, छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। ए, वाले, हमारे बॉस डॉन है, डॉन। चलो 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 चलो, नहीं तैरो तैरो। वाह
बस हम लोग बच गए। बच गए तो रोता क्यों? बोट में होल। हे यू, मरने आए क्या? अरे तो जीके भी क्या करना है मैडम? अबे तो हमें बता नहीं सकता था कि बोट में होल करके बैठा हुआ है, हम किसी दूसरी बोट में चढ़ जाते। अरे पागल है वो, तुम लोग होल बंद करो, होल बंद करो। हाँ हाँ हूँ मैं पागल, इराक में पूरी फैमिली को मार दिया मेरी, कहाँ थे तुम लोग? अरे तो इसमें हमारी क्या मिस्टेक है भाई? मिस्टेक जिसकी है वो तो पूरी दुनिया जानती है भाई, लेकिन तुम लोगों ने हाथ पकड़ा उसका, कहा उसको भाई क्यों मार रहे लोगों को, मारो तुम लोग। अबे साले, अभी हमारी मौत नहीं आई है तेरी। अबे ओए बावड़े, ये क्या आ रही है? इन पेपर्स पर साइन करो। जी क्या करूं? इन पेपर्स पर साइन करो बेटे। आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं पापा जी? चिल्लाने से आज तक कोई फायदा हुआ है जो अब होगा? उल्टा मेरी तबीयत खराब हो गई है। पेपर बनवाने की क्या जरूरत थी पापा जी? वैसे भी आपके बाद सब कुछ मेरा ही तो है, ये घर जायदाद है ना काजल? मेरी वसीयत के पेपर्स नहीं है, मैं तुम्हारे और काजल के डिवोर्स की बात कर रहा हूँ। जो बात मैंने आज तक सोची नहीं आपने कह दी। अगर आप कमिश्नर हैं तो मैं भी इंस्पेक्टर हूँ, सीनियर, और मेरी मर्जी के खिलाफ दुनिया की कोई ताकत मुझसे साइन नहीं करवा सकती। साइन कर, साइन कर। पिस्तौल में गोली नहीं रखता हुँ? और खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझता है। काजल, दो तीर से एक शिकार तो कर नहीं सकता, और एक तीर से दो शिकार करने निकला था। नानू, मम्मी को तो एकदम नया अटैक आया है। साइन कर। काजल, क्या काजल? काजल काजल की उस पागल बहन को क्रिमिनल उठा के ले गया और तू खड़ा देखता रहा? मैं साइन कर। करता हूँ, करता हूँ। मिस्टेक से चल गया। अर्जुन, कामनी, मैं तो कहता हूँ पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। मिट्टी मिट्टी मिट्टी, हर बात पे मिट्टी डालने का बड़ा शौक है ना तुझे? नानू, प्लीज मेरे पापा को बचाओ ना। जाने दे, वैसे भी धरती पे बोझ है। यश, बिना मतलब के ये मासूम फंस गई। ये मासूम है? ये कम मासूम है क्या? इस बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? एक बार हमें घर क्या ले गया, घर से भी गया, घर वालों से भी। जरा सोच यार, इसके बिना इसके बीवी बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। राज, एक वादा करते हैं यार, अगर इसका इनकाउंटर हो गया ना तो इसके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा हम करेंगे यार। डन बॉस। और बीवी का क्या? दूसरी शादी कर लेगी यार, शी स्मार्ट ना। ये चुप करो साले कमीना, चुप करो। क्या हुआ बाबा जी? तूने सुना, ये बोलते हैं मेरा एनकाउंटर करवा के साले मेरे बच्चों को पालेंगे और मेरी बीवी की दूसरी शादी। साले कोड़ियों, साले कीड़े पड़ेंगे। तुम क्या समझते मैं मर जाऊं और तुम बचोगे? कौन था? बिल्ला बाड़। अरे यार, ये तो पीछे ही पड़ा हुआ है। ऊपर कोई है, चलो। क्या करेंगे आप? अरे रुको, मुझे कुछ सोचने दो यार। तेरी दर्द। कौन है उधर? हैंड ग्रेनेड फेंक के देखूं क्या? नहीं नहीं, ये माइंस बिछाई है ना। माइंस? तो जो पैर रखेगा खुद ब खुद उड़ जाएगा। God, so be careful. अरे बाप रे, ये स्कड मिसाइल बहुत कमाल है। हा? वो टंकी उड़ा के मैं टेस्ट करूं? अरे नहीं यार, हीरा बेच के हथियार मार्कोस को उड़ाने के लिए खरीदे हैं। अरे अच्छा किया है यार, वरना वो मार्कस हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं। बहुत खतरनाक आदमी है। अरे क्या खतरनाक है, फुग्गा है, फुग्गा। पटरी पे हमको लिटाते, ट्रेन उसके पीछे लग जाती है।
पेट्रोल हम पे डालते हैं, जल खुद जाता है। लेकिन वो तो उसके चार जोकरों की वजह से है। बॉस इंसल्ट हो रही। और वो पांचवी? अरे वो तो क्वीन है, क्वीन। अपने लिए उसकी आंखों में प्यार देखा है मैंने। यॉट पे ना चोरी छुपे इशारे कर रही थी मुझे। ओहो, अरे फिर तो भाभी हो गई ना अपनी। मैंने कुछ नहीं किया। चलो चलो अपने हथियार उठाओ। अरे बंदूक का संभाल के यार, लोडेड है। और सुनो, बातों बातों में माइंस बिछाई है, भूल मत जाना। बॉस, ये लोग तो निकल गए, लेकिन हम लोग कैसे निकलेंगे? मार्कोस, फॉलो देम, कम ऑन। अंदर चलो, अंदर। All arrangements done? Yes, sir. मेरे सर पे इतना ज्यादा इनाम क्यों? आप बॉस हो ना? बॉस की? ये तो पुलिस स्टेशन है राज। ये तो पुलिस स्टेशन है भाई, चलो। नमस्कार। वाह 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 वाह, कितना लकी पुलिस स्टेशन है। ओपनिंग कल है और क्रिमिनल आज ही आ गए। बाकी कहाँ है? इधर ही है, भाग गए। लेकिन मैं नहीं भागा, मैं नहीं भागा। थक भी तो गए हो तुम। हाँ थक गया हूँ, लेकिन मैं भागा नहीं। देखा, मैं भागा नहीं। और मैं क्यों भागू सर, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों भागू? आई एम इनोसेंट सर। कितने इनोसेंट हो, वो तो हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही पता चल जाएगा। वो कैसे सर? हमारे पास एक मशीन है, लाई डिटेक्टर। हाँ? जो सच और झूठ सबको पकड़ लेती है। ऐसी मशीन है आपके पास? हाँ, हाँ। अरे तो सर पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं कितना भागा, कितना दौड़ा। सर 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 मुझे अभी कभी उस मशीन के पास ले चलिए, आइए सर। सर ये मशीन खराब हो गई है, सच को झूठ और झूठ को सच बोल रही है। अब इसे जल्दी से ठीक कर ले, वरना कोई सच्चा आदमी हमारे सर जी के हाथ तो बहुत पिट जाएगा। सर ओ, ये मशीन है। बैठो बैठो। सर ये मशीन इंटरोगेशन के टाइम नो डिस्टरबेंस। सर लेकिन ये मशीन। शट अप, वरना तुम्हें बैठा दूंगा। तुम बैठ जाओ ना भाई, बैठ जाओ, सब डिस्टर्ब हो रहे, बैठ जाओ। हेलो हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? झंडूलाल साहब। बॉस कौन है? बॉस तो मैं। राइट गुड। और ये गैंग कब से चला रहे हो? गैंग? मैं तो बैंक चलाता हूँ सर। तुम आदमी हो या औरत? मैं औरत हूँ। मुझे डाउट था, लेकिन आपका मशीन ठीक चल रहा है। ये मशीन का नहीं, तुम्हारा टेस्ट चल रहा है। बीवी के अलावा कितनी औरतों के साथ चक्कर है? बीवी के अलावा? बीवी के अलावा सभी औरतों के साथ चक्कर है। राइट, राइट। मतलब घर में दुख, बाहर सुख। ये क्या है सर? कन्ना, शुगर केन, मुंगी मार। मुंगी मार? इसकी मार दिखती नहीं, दुखती बहुत है। अब अगर तुमने एक भी हेलो हेलो काजल डारिंग, क्या टुक टुक मिलने रही है? दो घंटे हो गए और उसका कुछ अता पता नहीं है। काजल काजल डोंट वरी काजल, वो तुम हंस क्यों रहे हो? एक
अंडरवर्ल्ड को बॉस है, जिसने मिनिस्टर का मर्डर किया है, बैंक लूटा है, है? उसको राइट और रॉन्ग दोनों बातों में मारते रहोगे और तुम्हारे बच्चे आसानी से आजादी से घूमते रहेंगे। क्या मतलब? मतलब तेरी बच्ची को मेरे बच्चों ने किडनैप कर लिया। या देखो बॉस, मैं तो कहता हूँ पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। और मिट्टी भी डालेगा आप? वो तो मैं ऐसे ही कहता रहता हूँ। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारी बच्ची को, मुझे छोड़ दिया है, अपनी गाड़ी भी दे दी है। मैं अपनी गैंग वाले को फोन करके बोल देता हूँ कि वो तुम्हारी बच्ची को घर पहुँचा दे। अरे बॉस भी ना यार, काटा क्यों? पुलिस स्टेशन में सेफ रहेगा। बोल दिया। लेकिन सर आपने तो बात की नहीं। अरे भाई बॉस हूँ यार, इशारों में बात करता हूँ। हेलो काजल, काजल तुम चिंता मत करो, टुक टुक बहुत जल्द घर पहुंच जाएगी। क्या घर पर ही है? घर पर ही है। अच्छा? हाँ नहीं डू, काजल मैं खामक। ए ए झंडू, साले ने मुझे बेवकूफ बनाया। ए रुमाली में आपके पापा जी सर। राज संजना बॉस, एक बात बता, तुम्हारे मोबाइल में इनकमिंग फ्री है कि नहीं? है ना? हाँ? तो फिर मेरा फोन क्यों काटा? बिल तो मेरा बनता ना, फोन क्यों काटा? नहीं तो तुझे तो मैं मुंह पर ही बात करता हूँ। हाँ? साले, मुझे पुलिस स्टेशन में अकेला छोड़ कर बॉस, ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? ये क्या है? ये हीरा, हीरा डायमंड। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है अंधे, ये तेरे पास कहां से आया? अरे मेरे पास ही तो थे। अरे बताया था ना उस दिन मैंने आप लोग को, इसी से तो हम लोगों ने झूठ मूठ के हथियार खरीदे थे। और जो हमारे सर की कसम खाई थी उसका क्या? तो तुम लोग मर गए हो क्या? तो बस प्लीज खोल दो यार, मुझे भी एक बांबू दो प्लीज। हाँ, खोल 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 इसको, खोल 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 ना प्लीज। अरे बॉस गन्ना। अरे नहीं ये बॉस, एक मुझे भी दीजिए। अरे एक गन्ने के कितने टुकड़े करूँ यार? ए बहू तू नहीं मार सकती, जेट हूँ मैं इसका। जेट है तू उस दिन बहू पेट्रोल से जल जाती तो यस। हीरे है ना, प्लास्टिक सर्जरी करा देते। और ससुर के ट्रेन से हाथ पैर कट जाते तो? अरे बॉस हीरे है ना, नए लगवा लेते। और कितने हीरे हैं तेरे पास? अरे जितने थे बाहर आ गए ना। झूठ बोल रहा है। बस नंगा करके इसकी तलाशी लेते हैं। अरे नहीं नहीं, बहू के सामने। बहू तुम मुंह उधर करो, उधर करो, जेट जी नंगे हो रहे हैं। अरे नहीं बॉस, फुल नेकेड करता हूं ये बॉस। अरे नहीं बॉस, ए राज क्या कर रहा है तू? अरे राज छोड़ मुझे। इन डायमंड से तो 100-200 बैंक खुलवा सकते हैं, जज पुलिस मिनिस्टर सबको खरीद सकते हैं, 4 शहरों में काम हो जाएगा। अरे एक हीरे का काम है बॉस, सब हिसाब किताब करके बैठा हूँ, यहाँ हो ना बताता हूँ, आओ खोलो। बॉस मेरा प्यार और आपके बीवी बच्चों से ज्यादा कीमती नहीं है ये हीरे, गांव जाना है ना। हाँ तो बस इन्हें मार्कस को देके अपने बेगुनाही के सबूत लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सबको खरीदने वाला आइडिया बेटर है बॉस, वरना वो हीरे भी ले लेगा, सबको मार देगा और सबूत भी नहीं छोड़ेगा। तो चुप कर, मुंह बंद कर अपना। अरे मेरी बात सुनो यार बॉस, बॉस अरे मेरी बात तो सुनो। अरे चुप। यश तो ठीक कह रहा था, मार्कस का कोई भरोसा नहीं है। तो करे क्या, पुलिस के पास तुम जा ही नहीं सकते, वो तो देखते ही गोली मार देंगे। पुलिस की मदद मिल सकती है, एक रास्ता है। और कुछ चाहिए बेटा? मम्मी बलून में दिला दी। अंकल दिलाएंगे? अंकल क्यों? थोड़ा ज्यादा लेना। बचपन में मेरी छोटी से पूरी करने के लिए
आप डैडी से लड़ जाया करती थी और आज जब मेरी जिंदगी का सवाल है, आप डैडी को मना नहीं सकते। ये लो तुम्हारी कैंडी और ये लो आपके बलून। पर यार बच्ची पट जाए ना तो माँ तो अपने आप पट जाए। क्या कर दिया तूने यार? अरे तुमने ही कहा था शायद बलून लाने को। अरे इतना की बच्ची उड़ जाए। अरे देखना क्या हो रहा है। अरे बचा रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ। अच्छा, ब्लू ब्लू येलो रेड रेड। तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है यार। ये भी आज ही पता चला। थैंक गॉड, कितना डर गई थी मामा। पता है ये बलून आपको किसने दिए? हमारे साथ ही खेल रही थी। अब किसने दिए बलून तुझे? बताओ बेटा, किसने दिए? लगता बच्ची शौक के मारे बोल नहीं पा रही। मेरे ख्याल से इस वक्त इतने सवाल करना ठीक नहीं रहे। थैंक यू राज, आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ उड़ गई होती। थैंक यू। तुम लोगों ने मेरी बच्ची की जान बचाई, इसलिए मैं पुरानी बातों पर मिट्टी डालता हूँ। दीदी, लेकिन डैडी का एक्सीडेंट किसने किया? किसी दुश्मन ने। वो गाड़ी चलाने वाला कमीन अब तक मिला नहीं, लेकिन तेरे जीजा जी और पुलिस ढूंढ रहे हैं उसे। तुझे पता है संजू, हमला तो जानलेवा था। अरे ये बच गए, ये क्या कम है? इन्हें चोट कम और शॉक ज्यादा लगा बस। डैडी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन बोल नहीं पा रहे। हाँ तो लिखवा ले। ये क्या मर रहे हैं जो वसीयत लिखवा लें? दीदी, डैडी चीजों की तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं इन लोग की मदद करूँ। लो, ये हेल्प करेंगे। सिस्टर, give him a strong dose of 500 cc injection and put him to sleep. Yes, sir. Daddy, please cooperate. Please take the injection. अब मेरा प्लान सुनो। इस पेन के अंदर ट्रांसमीटर है। इस बार मैं एक तीर से तीन शिकार करूंगा। तुम्हें डायमंड्स भी नहीं देने दूंगा। मार्कस से तुम्हारी बेगुनाही का सबूत भी लूंगा और फिर उसे अरेस्ट भी करूंगा। माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 1 2 3 4। इंस्पेक्टर साहब, अब तैयार है ना? यस यस, डोंट वरी बॉयज, ऑपरेशन 3 शिकार इज रेडी। काम डाउन। वेलकम बेबीज। तुम दोनों ही? वो तीसरा कहाँ है, वो लंबे वाला? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इज डेंजरस, कहीं कोई प्लान हुआ तो। नहीं नहीं, कोई प्लान नहीं। हीरे कहाँ है? सबूत? हाँ सबूत। तुमने जो मिनिस्टर का खून किया है उसका सबूत चाहिए ना? Come on, let's go. Come on, get down everybody. सर, कुत्ता तो उस तरफ जा रहा है। ऑफिसर, कुत्ता या मैं? सर आप ही हैं सर। Then follow me. ठहरो, बाकी के कहाँ? बाकी के क्या? हीरे यही तो है सारे। आधे हैं ये। Cut it! हम लोग फंस गए हैं। Don't worry, I'm coming, पहुंच गए हम। हेलो, ये तो माइक्रोफोन है सर। यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। देखो नायडू, देखो कितने स्टूपिड लोग हैं, गलत बिल्डिंग में घुस गए। गलत बिल्डिंग में हम लोग घुस गए सर, हमें आपको नहीं कुत्ते को फॉलो करना चाहिए था। हे भगवान, कहाँ लेके आई है संजू? ये कौन सी जगह है मिलने के लिए? मुझे कभी तेरी बात सुननी। अरे बहू, तुम बाहर नहीं गई? बहू, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। राज और मामा जी मार्कस के पास गए, अब तक नहीं लौटे। अर्जुन भी नहीं आए। अच्छा, अर्जुन जी भी साथ गए? तेरी बात नहीं होती ना संजू, तो मैं उन्हें इस डेंजरस मिशन पे कभी नहीं भेजती। फिकर नहीं करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? साला फोन क्यों नहीं आया अभी तक? हेलो, साले कुत्ते कमीने धोखेबाज हरामी। उन्हीं का फोन है। स्पीकर, प्लीज
अरे आधा लेके जाओगे तो फंसोगे ना। तो बोलना नहीं चाहिए था कि आधे लेके जा रहा हूँ। अरे मुंह बंद कर दिया तुमने, बोलने का दिया मुझे। तुम मुझे एक बात बताओ, बाकी के हीरे छुपाए कहाँ थे? अरे यहाँ बहू और दीदी खड़ी है, अरे छुपाए थे ना कहीं। यश यश तू प्लीज एक काम कर, जल्दी से हीरे लेके यहाँ आ जाओ, वरना ये लोग मुझे और बॉस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन को मार दिया क्या? अरे उसी ने तो हमें मरवाया है, हमें आगे भेजकर खुद दूसरी बिल्डिंग में घुस गया। अभी तक आया नहीं वो यहाँ। अरे शर्म के मारे मुंह छुपा कर बैठा होगा कहीं पे। दीदी, हाँ? दीदी क्या हुआ? प्लीज ठीक रहिए। मैं ठीक हूँ। ठीक रहिए आप, ठीक रहिए। हेलो, आगे बोल रहा है यार। हेलो यस। आपकी आवाज को क्या हुआ है बॉस? बॉस नहीं, ये सवाल है कि मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ बेटा। बहुत तकलीफ है बेटा, बहुत मारा है तेरे बाप को इन लोगों ने। पहली बार मुझे किसी ने बेटा कह के पुकारा है। बाप की जगह अगर पप्पा को हूँ तो चलेगा? दिल से बोल रहा है बेटा। नहीं पप्पा, जुबान से बोल रहा हूँ लेकिन दिल से मानता हूँ। एक काम कर, तू हीरे लेकर जल्दी आ जा, तेरे पप्पा को गांव जाना है ना, जल्दी आ। अभी आता हूँ पप्पा, अभी आता हूँ। किया क्या मैंने? क्या किया साला? सर पे सारा सामान गिरा के पूछ रहा है किया क्या? खोपड़ी खाली कर दिया मैंने। चुप। क्या कर रहा है? चेन है, धागा नहीं है। चेन है। ये बताओ, चाबी कहाँ है? चाबी? सोफिया के पास। हाँ? सोफिया के पास। सोफिया? ए, 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 क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? चेन काट रहा हूँ। कुल्हाड़ी से कटेगी ना? पहली बार काट रहा है? हाँ। बेटा प्रैक्टिस तो कर, प्रैक्टिस कर बेटा। हाँ? मार बेटा। बेटा रहने दे, जिंदगी भर बंधे रहना अच्छा है, बिना हाथ के बाहर घूमना अच्छा नहीं, रहने दे बेटा। पापा रहने दे, दो तीन बार और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, नहीं ना 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 ना। मार्कस! हे, देखो क्या हुआ सोफी को, कम ऑन! अरे अरे कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो बेटे? आ रहा हूँ पापा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चाबी पापा, चाबी निकाल के आ रहा हूँ। तो बेटे पापा चाबी निकाल ले जा रहा, चाबी निकाल ले जा रहा। गड़बड़ है कुछ? सोफी कहाँ? सोफी कहाँ? बॉस, सोफी को तो लंबू ले गया। ले गया? वो तो पापा को छुड़ाने आया था, पापा को छोड़ के पाप को ले गए। देखा, उसने आपको नहीं हमको भी धोखा दिया है। दबाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जब तक ये लोग पता नहीं बताते तब तक दबाते रहो। दबाओ, दबाओ। हेलो, हीरे चाहिए या लड़की? ए लंबू हराम साधे, मैंने तो सोचा था तू हीरे देकर तेरे दोस्तों को छुड़ा कर ले जाएगा, लेकिन क्यों? अबे मैं हीरे देने के लिए नहीं, बाकी के हीरे लेने के लिए आया था, इसीलिए तेरी ये हीरोइन को उठा के ले आया। ए, सोफी कहाँ है? क्या कहा? सोफिया को मैं मार डालू तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सिर्फ हीरो से मतलब है। क्या बोला? Marcus, you bastard! You wanna Sophie, kill me? Sophie, cool down, baby, cool down. संभालो इसे. Sophie, listen to me. Sophie, come here. सुन लिया? मेरे आदमी और हीरो को लेकर ढाबा पहुंच जाना, डील वहीं होगी। अगर चालाक बनने की कोशिश की ना तो तेरे हीरो को पीस कर आटा बना दूंगा, उसकी रोटी बनाकर तू खा लेना विदाउट सब्जी।
यस बॉस। अपने सारे आदमियों को जमा कर लो। लेकिन बॉस, उस हरामखोर की बताई हुई जगह पर जाने में खतरा हो सकता है। जानता हूँ खोखा, लेकिन आज ढाबे में बैसाखी का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। क्या बात, सारे सरदार होंगे। हम भी वहां सरदार बनकर जाएंगे ताकि वो हमें पहचान न सके। सरदार चेचे, मैं दीदी और सोफिया सरदार कैसे बनेंगे? अरे तुम्हें जो गेटअप करना है कर लेना, सरदार मैं बनूंगा, लेकिन ऐसा गेटअप करना कि मार्कोस तुम्हें नहीं पहचान पाए। पापा जी, पापा जी, आप मुझे एक लास्ट चांस दे दो। आज मैं आपकी आंखों के सामने एक तीर से पांच शिकार करूंगा। मार्कस, उसके चार साथी है ना? अरे आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो। आज मुझे जो आइडिया आया ना, वो किसको आ ही नहीं सकता। हम दोनों सरदार बन के जाएंगे। कद लंबा चौड़ी चेस्ट चेस्ट, जड़ा देखे बोले बेस्ट बेस्ट। बॉस, बोट वाला पंजाबी मस्त पंजाबी। ये यहाँ क्या कर रहे? पंजाबी मस्त पंजाबी। चीची, ये कौन है? मौत का फरिश्ता। ये जहाँ भी होता है, मौत आसपास ही होती है। हाँ भाई, आखिरी लस्सी पिला दो यार। चीची, आखिरी लस्सी मांग रहा है। और रांझिया, ला भी मक्खन शक्कन पागे लस्सी वस्सी पिया बाबा। ओए भूतनी के, अबे सिर्फ लस्सी बोला है, वस्सी क्या होता है? मटन शटन मुर्गा शुरगा चाय शाय परांठे सरांठे, साले गिनाते दो खिलाते एको। ओए कंजरा, अपनी ये बकवास बंद कर दे, नहीं तो वाहेगुरु जी दिसाओ तेनू इत्थे जानो मार दांगा मैं। बोलते क्यों पाजी, मार दे साले। अबे तुम क्या मारोगे, मौत तो मार नहीं पा रही, लेकिन बेटा इस बार इंतजाम बड़ा पक्का क्या है, मैं तो मरूंगा ही, साथ साथ मेरे तुम सारे मरोगे, मौत एकदम आस पास ही है। अबे इधर उधर क्या देख रहे हो, ऊपर से आ रही है, छत के सारे नट बोल्ट खोल दिए हैं। मौत तो फिर रोक लिया तुम लोगों ने, लेकिन बिटवा ज्यादा देर नहीं रोक पाओगे। अबे चुप, तुझे मरने के लिए वही जगह मिलती है, जा हम लोग होते तो मैं गांव कैसे जाऊंगा, और आज मैं मर गया। ऐसा मत कहो पप्पा, अभी तक तेरा ये बेटा जिंदा है। बेटा, तेरी माँ का मैं कुछ नहीं लगता हूँ। तू पप्पा को बचाने आया था कि लड़की को उठाने आया था? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मार्कोस हमारी पूरी फैमिली को मार डालता। कौन सी फैमिली? आप मेरे पप्पा हो, वो दोस्त नहीं मेरा छोटा भाई है। अरे मर गया तेरा भाई कमीने, करोड़ों के हीरे की लालच में आके बोल दिया कि हमें मार दो, रख तेरे हीरे तेरे पास। नहीं राज, चेची ने ऐसा नहीं कहा। She's right. मारना तो मार्कोस मुझे चाहता था उन हीरो के लिए। नहीं सोफी, ये कमीना तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा था ना, इसलिए मैंने इसके आदमियों को इसके खिलाफ भड़का दिया। मेरे पास जो आधे हीरे हैं वो करोड़ों के, लेकिन तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। करोड़ों के हीरे इनके पास हैं। नहीं नहीं, मन्ना कैंसिल। ना वे, हीरे निकाल। मेरे पास आया ना तो जान से मार दूंगा। अबे जान से तब मारेगा ना जब हाथ तेरे फ्री होंगे। चल निकाल। ए, ए, बॉस, पीछे की पॉकेट में हाथ डालने मत देना। थैंक यू। एक मिनट। बड़ी कमीनी चीज होती है रुपया। ये आगे बढ़ेगा ना तो एक लात मारूंगा, 10 फीट दूर करेगा, समझा? देख मैं तो दूर चला जाऊंगा, लेकिन ये छत तेरे ऊपर गिर जाएगी बेटा। थैंक यू। पापा जी, केयर के रखो इन्हें। ओ पाजी, आप टेंशन मत लो, वो हम हैं इसे पकड़ने के लिए। तुम तो मालूम, मैं आता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, तुम जाओ। ये संभाल इसे। मदद करो वरना सी मर जावांगे। ओ हम वाए तो हम भी मर जाएंगे। ओए सरदार, कभी मौत से डरते हैं क्या? ओए
बात तो ये सही कह रहा है। जो बोले सोनिया। अरे बाबूजी, बाबूजी आप लड़की कैसे? चुप, जोश में नहीं होश में काम करो। अबे गधे, मुझे बचा। एक सेकेंड, रिलैक्स रिलैक्स, नहीं तो दूंगा। कैसा बॉस मिला है यार? और तू भी नहीं हिला। लाओ हीरे मुझे दे दो। लाओ पापा, हीरे तो अपने पास है। अबे अपने के सपने मुझे दे दो। फेंक फेंक, चल फेंक फेंक, आ फेंक। ये तो हक है। हाँ भाई मार्कोस, सुना है तुम्हारे सर पे भी बहुत बड़ा इनाम है। बॉस को नहीं बोलने का। वे बेटा, पापा भाग। जी पता है, बहुत दिलदार हो आप लोग, और मैं तो आपको भड़का रहा था ताकि आप लोग मुझे जान से मार दो। मैंने ये बता, तू मरना क्यों चाहता है? ओ पाजी, हुण जीके भी क्या करना है। गाजा पट्टी में मेरी फैमिली को सड़क पे लेटा के टैंक चला दिया ऊपर से। फोटो थी मेरे पास। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तूने तो कहा था कि तेरी फैमिली अफगानिस्तान में थी। हाँ, लेकिन हमें तो इराक बता रहा था। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी मेरी फैमिली, मेरी इंसानियत की कोई फैमिली नहीं होती क्या?
अरे दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी इंसान मारा जाए, मरती तो इंसानियत है ना भैया। सही बात, इसीलिए मर रहा हूँ। लेकिन जी सकता हूँ मैं अगर ये हीरे मुझे मिल जाए। पर तू हीरों का करेगा क्या यार? वो जाके अमेरिका को दे दूंगा कि भाई पूरी दुनिया में शांति कर दो। ठीक बात, हीरे इन्नू मिले चाहिए थे यार। सही गल है। पर बाजी हीरे है कितने? एक एक पोटली तो इनके पास है, लाल वाली। इसके बाद सोफिया कहां गायब हो गई आज तक किसी को पता नहीं चला। मार्कस और उसके साथियों को सजा हो गई 440 साल की। झंडूलाल ने गांव आकर फिर से नया बैंक खोल लिया। उसके घर एक और बच्चा भी हुआ, चाइनीज। सुपर कॉप अर्जुन सिंह को पोर्ट लुइस भेज दिया गया फिर से पुलिस ट्रेनिंग के लिए। यश और राज ने फिशिंग का बिजनेस शुरू कर लिया। उन्हें यकीन है कि एक दिन वो मछलियां उनके हाथ जरूर लगेंगी जो उनके हीरे निगल चुकी हैं। फाउंड, रोलिंग, एक्शन। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
मजाक तो नहीं कर रहे? ये मजाक की बात नहीं है मिश्रा जी, आई एम सीरियस। पर इतनी इंपॉर्टेंट चीज किसी के हाथ में इतनी आसानी से कैसे ले सकती है? इसी बात का तो मुझे भी ताज्जुब है सर। आर यू श्योर अबाउट इट? ऑफ कोर्स सर, 100% श्योर। मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। हेलो, मेरी प्रधानमंत्री जी से बात करवाइए इमीडिएटली। थू है हम सब पर। यहां सब बैठे हैं आराम से, कसम खलास हो गया। वो बोट, वो बॉक्स सब गया हाथ से। कितनी बार कहा कितना बड़ा ऑपरेशन उन हिजड़ों के हाथ में मत दो। 3 साल, 3 साल की प्लानिंग गई पानी में। ए, बंद कर। क्या हुआ? मैंने कहा बंद कर इसे जोसेफ। जानते हो, अगर सरकार को पता चल गया कि उस बॉक्स में क्या है तो इस देश की पुलिस ही नहीं पूरी की पूरी आर्मी बिठा देगी उसकी हिफाजत के लिए। फिर बैठे रहना यहाँ आराम से वीडियो गेम खेलते हुए। मैं तो कहती हूँ किसी और पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं। हम ही वो कंटेनर वापस हासिल करेंगे। इस बार जो होना है हो जाए। अब पता चला खूबसूरत चेहरों को मैं अपनी गैंग में भर्ती करने से क्यों डरता हूँ? क्योंकि वो सिर्फ नाज और अदाएं ही दिखाते हैं, दिमाग चलाना तो उन्हें आता ही नहीं है। सुवर्णा, छोड़े सी सुना नहीं? पुष्कर, इसको जरा समझाओ कि पुलिस के लिए हम खतरनाक आतंकवादी हैं और हमारी फोटो हाथ में लिए पुलिस वाले हर चेक नाके पर हमारी आरती उतारने के लिए तैयारी खड़े हैं। और ये मत समझना कि मुझे मौत का डर है। हमारा मिशन जिंदा रहना चाहिए बस। और ये काम अपने आदमियों से नहीं, बाहर के आदमी से कराना होगा। बाहर वाले को कहां से ढूंढेंगे? हमारे अंडरवर्ल्ड के रिश्ते कब काम आएंगे? एक आदमी खुराना नाम का, वो करेगा ये काम। कौन है वो? है खुराना, वो करेगा ये काम। कितनी बार कहा तुझे हमारे एरिया में नहीं आने का? तुम्हारा एरिया? क्या तुम्हारे दादा ने मरते वक्त तुम लोगों के नाम लिखी थी ये जमीन? हाँ, हॉकी मैच है क्या? ए, हाथ नहीं लगाने का। क्यों, क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? हाथ नहीं लगाने का बोला ना। क्या करेगा? मैंने पहले ही बोला था मुझे हाथ नहीं लगाने का। समझते नहीं साले। पहले चश्मा उतार के रखने दे। मैंने कहा ना मैं चश्मा रख रहा हूँ। और मार साले को। अरे कब से बोल रहा हूँ कि मुझे चश्मा रखने दे, फिर भी आंख पे आता है साला। अरे मारना। बोला ना चश्मा जेब में रखने दे। Yeah!
हेलो। एक मिनट मेरा नाम खुराना है। देखो मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत बड़े राज की बात है, टॉप सीक्रेट। मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी के कानों तक पहुंचे। तो मैं बाहर जाऊं? मजाक छोड़ो, इंदिरा डॉक्स के कस्टम्स के गोडाउन में मेरा माल पड़ा है, एक बॉक्स, उसे निकालना है। करोगे? 1,00,000 दूंगा। माल क्या है? बिस्किट सोने के, और वो भी 1,00,00,000 के। भिखारी समझाए क्या? 1,00,00,000 गोल्ड बिस्किट का 1,00,000? अरे इतने में तो अपन ग्लूकोज बिस्किट भी नहीं लाएगा। इतने सोने का 1,00,00,000 बोलता है साला। ठीक है 2,00,00,000 ले लो। 3, 4, 5,00,000। आखिर कितने चाहिए तुम्हें? 10,00,000। What? 10,00,000? अबे चिल्लाता क्यों है? अभी अभी तो खुद बोल रहा था किसी को सुनाई ना दे। लेकिन 10,00,000 बहुत ज्यादा है। देखो भाई, अगर बेस्ट आदमी चाहिए तो उसकी बेस्ट कीमत देनी ही पड़ेगी ना। ठीक है, लेकिन ये काम कल ही हो जाना चाहिए। कल नहीं परसों। क्यों, कल क्या है? कल मुझे बाल कटन है। बाल कट? मैंने पहले ही कहा मजाक नहीं, ये काम कल ही हो जाना चाहिए। ठीक है तो फिर उसके लिए 2,00,000 और। What? अब तुम ठीक है यार, तेरा काम कल हो जाएगा। पहले मुझे बॉक्स की डिटेल तो बता। हेलो, क्या बात है मिश्रा जी, इतनी रात गए आपने मुझे बुलाया? डॉक्टर राय, बहुत बुरी खबर है। क्या? अभी अभी खबर मिली है कि वो बॉक्स गोडाउन से चोरी हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर राय, दरअसल बात यह है, मैंने वहां पर सिक्योरिटी नहीं लगाई थी। क्या, आपने वहां सिक्योरिटी नहीं लगाई थी? पर क्यों? अरे भाई, मैंने सोचा था सिक्योरिटी लगाने से वहां पर किसी का भी ध्यान जा सकता है, और मैं इस मामले को बहुत नॉर्मल वे में हैंडल करना चाहता था, और सुबह होते ही उसे आर्मी हाई कमांड के हवाले कर देता, लेकिन ये हो गया। लेकिन अब क्या होगा मिश्रा जी? मैंने कमिश्नर साहब को बुलाया है, वो आते ही होंगे। मतलब आप कमिश्नर साहब को सब कुछ बता देंगे? नो 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 डॉक्टर राय, मैं उन्हें सब कुछ नहीं बताऊंगा। वहां से बात लीक हो सकती है, पब्लिक तक पहुंच सकती है, एक हंगामा हो सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं, जिन पे बाद में काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पुलिस को कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा मिश्रा जी। हम उनसे कहेंगे कि उसमें सोना था। नमस्ते मिश्रा जी, इतनी रात गए आपने मुझे याद किया, एनी प्रॉब्लम? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो सर, मैं श्री बोल रहा हूं, एक इमरजेंसी केस है, आप जल्दी आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्री, कैसे हुई रॉबरी? सर, चोर ने अलार्म कनेक्शन काट दिया था। दोनों कोस्ट गार्ड्स को सस्पेंड कर दिया गया है और इंक्वायरी चल रही है सर। और चोरी क्या हुआ? सोना, 2,00,00,000 का सर। सोना? फिर तो ये कस्टम्स डिपार्टमेंट का केस है, हमारा क्या लेना देना? पता नहीं सर, और हाँ चोर को जिंदा पकड़ना है सर। अच्छा, और कोई डिटेल्स? यस सर। क्या? वहां लगे क्लोज सर्किट कैमरे से तस्वीर मिली है जो हमने चेक नाकों और होटल्स में भेज दी है। गुड, कमिश्नर साहब अंदर है सर। Thank you.
कहाँ हो तुम? जहाँ बॉक्स है। बॉक्स कहाँ है? बच्चा समझाए क्या? पहले पैसे लेके आ, फिर बॉक्स मिलेगा, समझा? ठीक है ठीक है, होटल पैराडाइज की लॉबी में रात को 9 बजे। ओके गुड इवनिंग रोनी साहब। गुड इवनिंग, गाड़ी पार्क कर देना। यस सर। अरे सुनो, जिमी कहाँ है यार? अरे मुझसे कहा था शाम को आएगा, पर आया ही नहीं। फिर क्या हुआ? अरे पार्टी में जाना था। हाय गाइस। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाय रोनी। हाय प्रताप। और क्या हो रहा है? यू टेल मी। हाय रोनी, व्हाट्स हैपनिंग? कितनी देर लगा दी यार, तेरा इंतजार था। चलो मैक की पार्टी में चलते हैं। नहीं यार, वही लड़की आ रही थी, कोई फ्रेश माल नहीं होता यार। क्यों, मैक की बहन आई है ना अमेरिका से? तेरे को फ्रेश माल चाहिए ना, वो दे सामने। आपसे कुछ कह रहे हैं ये? मैंने कहा हाय। आप बहुत खूबसूरत है। मैंने आपकी तारीफ की और आपने थैंक्स तक नहीं कहा। कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे तू जाना, मैं तुमसे नहीं इनसे पूछ रहा हूं। अरे तू जा रहे। अरे घर पे जाके थोड़ा टाइगर बाम लगा लेना, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद में अपना हाथ है ना गर्म पानी में डाल के उस पे थोड़ा नमक डाल दे। अरे रोना बंद। अरे तुम नहीं आते तो भी मैं संभाल लेती, अपने आप को हीरो मत समझो। माचिस है? है लेकिन मैं देता नहीं, मुझे माचिस मांगने वाले से सख्त नफरत है। ये माचिस देना। मैं 20 साल अमेरिका रहा हूँ, वहाँ कोई किसी से माचिस नहीं मांगता। मालूम क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ सब लोग लाइटर इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास माचिस है लेकिन मैंने दी नहीं। मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि सुबह से ये जोक किसी को सुनाने के लिए मैं तड़प रहा था। मेरी शर्ट तो वापस दे दीजिए। आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। मैं भी अमेरिका में बहुत अच्छा डांस करता था लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि अब मैंने अमेरिका ही छोड़ दिया है। लगता है दूसरा गाना शुरू होने वाला है। हाथ ऊपर। न न न न न
पीछे। एक, नीचे बैठो, नीचे। I'm sorry, ma'am. क्या बदतमीजी है ये? मैडम मैं क्राइम ब्रांच का ACP नायर हूँ। इसका मतलब है किसी भी लड़के के कमरे में घुस सकते हैं? मैडम मैं यहाँ पर एक चोर के पीछे आया हूँ जो शायद। क्या मतलब है आपका? यहाँ कर्टन के पीछे कोई चोर छुपा हुआ है और उसके सामने मैं कपड़े बदल रही हूँ। कौन है सीनियर, कौन है आपका? ओह तो आप हैं इनके सीनियर। कैसे लोगों को डिपार्टमेंट में भर्ती करते हैं आप? कितना बदतमीज स्टाफ है आपका। नहीं आप गलत समझ रही हैं, ये नहीं मैं जूनियर हूँ। तो ऐसे आदमी के नीचे काम करते हैं, शर्मानी चाहिए आपको। लिसन मैडम, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप एक बार ये कपड़े पहन लेने दीजिए, फिर महिलाओं पर पुलिस के होने वाले अत्याचार के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी। ये बात मत भूलिए कि हम जैसे लोग टैक्स भरते हैं तो आप जैसे लोगों की तनख्वाहें मिलती है। मैडम आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ। आप जैसे लोगों का काम महिलाओं की रक्षा करना है या उन्हें इसी गंदी नजर से घूर घूर के देखना है? मैं आपको घूर घूर के देख रहा हूँ। घूर नहीं रहे हो तो खड़े क्यों हो? खड़े क्यों हैं? जी आप वो सर वो चलो। तुम बाहर आ सकते हो। थैंक यू। मुंह उधर करो। क्या? ओह सॉरी, थैंक्स, थैंक यू। कौन हो तुम? मैं कोई नहीं। पुलिस क्यों थी पीछे तुम्हारे? पुलिस मेरे पीछे? मेरे पीछे कहाँ है? देखो सच सच कहो, पुलिस क्यों थी पीछे तुम्हारे? वो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे को नहीं बता रहे। तुम इन बातों में मत घुसो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरी भलाई की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं। पुलिस क्यों थी पीछे तुम्हारे? क्योंकि मैं उनके आगे था, हम लोग चोर पुलिस खेल रहे थे बस। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? समझता नहीं हूँ। अच्छा। बचपन से। और ये चोरी चपाटी भी बचपन से? क्या तुमको मैं चोर लगता हूँ? इस आदमी ने एक काले रंग का बक्सा चुराया। पुलिस और कस्टम्स का कहना है कि बक्से में 2 करोड़ का सोना है। ये 2 करोड़ अगर किसी को भी नजर। लेकिन वो साले ने तो मुझे 1 करोड़ बोला था। अरे तुमने 2 करोड़ का सोना चुराया? अरे 2 नहीं 1। देखो मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अगर तुम ना भी होती ना तब भी मैं अपने आप को संभाल लेता। अपने आप को हीरोइन मत समझो। कहाँ होगा वो कमीना,
माय गॉड, वो लोग छोड़ेंगे नहीं मुझे। पिंकी कच्चा खा जाएगा मुझे। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। साला खुद भी गुल है और माल भी गायब। भाग तो नहीं गया होगा। आई विल किल दैट बास्टर्ड। हाथ में आना तो एक बार खत्म कर दूंगा उसे। झूठ बोलता है, मुझ जैसे ईमानदार आदमी के साथ चीटिंग करता है। सेक्शन 420 लगा दूंगा। 2 करोड़ होकर 1 करोड़ की बात करता है। अब मैं 4 करोड़ का पैसा लूंगा। 4 का बॉक्स कहाँ है? पैसे कहाँ है? पहले बॉक्स दो। पहले पैसे दो। मैंने कहा ना पहले बॉक्स चाहिए मुझे। मैंने कहा ना पहले पैसे चाहिए। देखो मेरे पास टाइम बहुत कम है। देखो मेरे पास पैसे बहुत कम है। देखो मैं अब आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे बॉक्स पहले चाहिए। पहले पैसे, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। गुदगुदी होती है यार। देख ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये बंदूक बंदूक से बहुत डर लगता है यार। तू भी यार सीरियसली मजाक करता है। देख अब मजाक छोड़ते हैं और सीरियस बात करते हैं, काम की बात करते हैं। अरे तुझे हिंदी समझ में नहीं आती क्या? बोला ना ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं। हटा ना यार बंदूक। कमाल का आदमी है यार तू भी। सीधे सीधे बताओ वरना मैं तुम्हें। हिलना मत। ये लोडेड गन है, कोई पेन नहीं। कम ऑन गिव मी द गन फटाफट। कम ऑन। सॉरी झूठ बोला था। मैंने कहा था हिलना नहीं। ओके मूव नाउ। कोई हिलना नहीं बीच में। कम ऑन मूव मूव। लेकिन लेकिन तुम्हें आई कैसे? अरे ये कोई पूछने का वक्त है क्या? लेकिन मेरी बात तो सुनो। लेकिन पहले तुम यहाँ से निकलो, फिर बहुत बातें करेंगे। ओके ओके ये लो। साले मेरे से चीटिंग करता है। अब मैं तुझे टीचिंग सिखाता हूँ। 90 पॉइंट की वाट लगा दी तूने। लेकिन मेरी बात तो सुनो, तुम यहाँ आई तो चल चल अभी चल साले चल। जब ये गोली तेरे भेजे में जाएगी ना तब मालूम पड़ेगा चीटिंग करता है साला। हम अब पता चलेगा तेरे। ये बताओ कि तुम यहाँ आई कैसे? अरे तुम वो हैला चल चल पहले से चल चल। मिस्टर नायर इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है? कमिश्नर साहब बता रहे थे कि वो आदमी हाथ में आकर निकल गया। साहब हमने पूरी कोशिश की लेकिन हाँ हमसे गलती हो गई। देखिए मिस्टर नायर, इस केस में जरा सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। आई थिंक यू शुड बी मोर प्लान्ड। बाय द वे ये मिस्टर राय हैं, रॉ के ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए हैं। हेलो हेलो। वैसे डॉक्टर राय आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है जैसे मैं और हमारा पूरा डिपार्टमेंट इस केस को लेकर सीरियस नहीं है, व्हिच इज नॉट अ फैक्ट। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग अनप्लान्ड हैं। ये एक फील्ड जॉब है, इसमें ऊंची नीच हो सकती है। नायर, मिनिस्टर साहब को तुम्हारी सीरियसनेस पर शक नहीं है, लेकिन तुम पोजीशन समझो, हमें ऊपर से प्रेशर आते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट सर। देखो मिस्टर नायर, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, बहुत उम्मीदें हैं तुमसे, बट वी वांट रिजल्ट्स। यस सर, आई डू माय बेस्ट। सर एक बात पूछनी थी आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए गोल्ड स्मगलिंग तो काफी कॉमन बात है, लेकिन इस केस को लेकर इतनी घबराहट, इतनी टेंशन, कोई खास बात है क्या? मिस्टर नायर, ये केस एक बहुत बड़े इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ा हुआ है। इस वक्त मैं तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकता।
यस सर। ए गुलजल, इस बार बिल बढ़ाकर बनाना क्या? कितना बढ़ाऊं? अरे 20% बढ़ा दे, 5% तू रख लेना। हाउ स्वीट बॉडी। तो फिर आपका गमछा मुझे बहुत पसंद है। वैसे आप जा किस तरफ रहे हैं? आपको किधर जाना है? मुझे तो खंडाला जाना है। याद आया, मुझे भी वहीं जाना है। है ना? तो फिर चलिए। आइए ये बैठिए बैठिए। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ए तुम कौन हो? ए तुम कौन हो? कौन हो तुम? हेलो हेलो, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आप लोग जरा समझने की कोशिश करो, अगर वो आदमी हमें नहीं मिला ना तो पिंकी हमें बर्बाद कर देगा, समझे? ऐसी बात वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए कह रहा हूँ जाकर के उसे ढूंढो और पकड़ कर ले आओ इधर। May I come in? मैंने पहले ही कहा था कि ये काम हमें खुद को करना चाहिए, औरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। पर ये पिंकी ने मेरी बात नहीं मानी। क्यों? नहीं कहा था मैंने? मैंने कहा था, तुमने कहा था, बंद करो ये सब। जो होना था सो हो गया। अब ये सोचो कि कहाँ ढूंढेंगे उसे हम? कहाँ ढूंढेगा तू उसे? पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। इसके पहले कि पुलिस उसको पकड़े, हमें पकड़ना होगा उसे। पुलिस तो उसे ढूंढ ही लेगी, पर हमें इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी उसके बारे में? I got an idea. अरे कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अरे बोलती क्यों नहीं? अरे मैं क्यों बोलूं? तुमने बताया था मुझे कि तुम कौन हो, ये पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? अरे मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक सीधी सादी लड़की को अपने लफड़े में क्यों डालूं? किसने कहा तुमसे कि मैं सीधी सादी हूं? ठीक है, तुम सीधी सादी नहीं हो, लेकिन सीधे सीधे मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? 50-50 शादी? सॉरी। अरे बताओ मेरे पीछे क्यों पड़े हो? देखो, 2 करोड़ का सोना है ना, 1 करोड़ का मुझे दे दो, 1 करोड़ तू रख ले। आई लव। एए, गाड़ी निकालो जल्दी। अरे सलाम साहब। तुम तो लड़की हो। हाँ साहब, तो मैंने कब बोला साहब कि मैं लड़का हूँ? मेरा मतलब है मैंने कभी लड़की को ट्रक चलाते नहीं देखा। बस क्या साहब, अगर बसंती लड़की होके टांगा चला सकती है तो मैं लड़की होके ट्रक नहीं चला सकती क्या साहब? बसंती? कौन बसंती? बसंती साहब वो रामगढ़ वाली, वो वीरू होता है ना, वीरू उसकी गर्लफ्रेंड। वीरू की गर्लफ्रेंड? कौन वीरू? अरे वीरू साहब जिसको ठाकुर साहब लेकर आते हैं वो गब्बर को पकड़ने के लिए, वही। ए लड़की ज्यादा होशियारी नहीं, ये ट्रक तुम्हारा है? हाँ साहब मेरा ही है ना, मेरे डैडी ने मुझे बर्थडे के लिए गिफ्ट दिया था और मेरी माँ को टेम्पो दिया था, वो टेम्पो चलाती। तो तुम्हारा बाप क्या चलाता है? वो घर चलाता है साहब। बड़ा चलाओ खानदान लगता है तुम्हारा। अरे अरे अभी देखता हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं साहब तुम्हें? पीछे क्या है? कुछ भी नहीं है। Oh yeah.
अब इसे संभालो भी, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं शाम को देरी से घर आऊंगा, फिक्र नहीं करना। अच्छा कौन? पोस्टमैन। क्या बात कर रहे हो, फिर भाग गए? माफ कीजिएगा सर, गलती हो गई। अरे कितनी बार गलती होती है, पिछली बार भी तो वो सर, दरअसल वो इंस्पेक्टर राणा की वजह से वो लड़की उसे भगा के ले गई। लड़की? कौन लड़की? सर उसका नाम बसंती है। जानते हो साहब नाराज क्यों है? क्योंकि तुमसे पहले वो लड़की साहब को उल्लू बना चुकी है। क्या? टोपी देखना यहाँ कहीं पानी मिलता है क्या? आगे मेरे बाप ने 5-स्टार होटल खोल रखा है, बात हम सब पी लेना। तू अपने आप को बहुत शाना समझता है ना? बचपन से। आउच! आह! क्या हुआ? ये काटो! अरे मुंडी उठाकर घूमती है, धरती पे देख, धरती पे जंगल में कांटे नहीं मिलेंगे तो क्या कारपेट मिलेगा? ए तो चुप! एक तो ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? क्या मतलब? कितनी बार तुझे बोला था मुझे गाड़ी चलाने आती है, चलाने दे, तू स्टीयरिंग क्यों खींच रहा है? अरे नहीं खींचता तो मर जाते ना। अबे जा बे जा, गाड़ी चलानी मुझे सिखाएगा, बात करता। ये बेबे नहीं बोलने का क्या? नहीं तो क्या कर लेगा बे? अगर तू लड़का होता ना तो बताता, नाटक करती है साली। आए। ये बे नहीं बोलने का। क्या पता था? बोल ना, बोल 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 ना। क्या बोला था? लड़की का काम रसोई घर में होता है, मर्दों के साथ झगड़ा करना नहीं होता, इसलिए मैं कहता हूँ मर्द बनने की कोशिश मत करो। काटती है? सॉरी कहना सर, हाथ मत लगा। अरे कहना, आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया। खैर छोड़ो, देखो हम दोनों मुसीबत में फंसे हुए हैं, कोई रास्ता ढूंढते हैं इस मुसीबत से बाहर निकलने का, है? तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? दयाशंकर। है? दयाशंकर। दयाशंकर? क्यों? बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? उमा पार्वती। क्या? उमा पार्वती। नाइस मीटिंग यू। लेकिन 50-50 याद है ना? हाँ याद है। Oh, 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 oh
बसंती, ये बसंती कौन है? सर, नायर साहब कह रहे थे कि इंस्पेक्टर राणा प्रताप को वो लड़की चेक नाके पर मिली थी, कुछ शोले का जिक्र कर रही थी। शोले? कौन शोले? आप शोले के बारे में नहीं जानते? जी नहीं, मैं कभी मिला नहीं उनसे। डॉक्टर राय, ये एक फिल्म का नाम है, बहुत हिट फिल्म थी। I'm sorry, मैं फिल्में नहीं देखता। पर शोले का ताल्लुक इस केस से क्या है? सर, यही तो पता लगाना है। क्या देख रहे हो? क्या क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। झूठ। क्या 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 तुम मुझे देख रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ, तुम मुझे देख रहे हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। नहीं देखने का। नहीं देखने का? क्यों नहीं देखने का? क्या तुम्हारे बाप का जंगल है? मैं झाड़ को देख सकता हूँ, आसमान को देख सकता हूँ, जमीन को देख सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम्हारे फैमिली में कोई बीमारी है क्या? है हमेशा झगड़ा करना, हमेशा शक से। फैमिली की बात मत करना मुझसे। हमेशा टिर 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 टिर। तय शंकर, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं। तुम अकेली हो क्या? सिवाय एक बॉयफ्रेंड के। बॉयफ्रेंड? बहुत हैंडसम है। बहुत ही हैंडसम है। वाह, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अरे, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं है। क्यों? कोई लड़की पसंद नहीं आई अब तक। शंकर, क्या सचमुच तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या सचमुच तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? देखो, मैंने पहले पूछा ना। हाँ, लेकिन अभी मैंने पूछा है, तुम बताओ। वो क्या है कि? अरे बताओ। तुम क्यों जानना चाहती हो? ऐसे ही। मैं भी ऐसे ही। तुम्हें नहीं बताती तो मत बताओ। शंकर, जयशंकर, जयशंकर, ओ जयशंकर, जयशंकर।
क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? अरे हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर? क्या हेलीकॉप्टर? अरे पुलिस का। कहाँ है? यहीं घूम रहा था हमारी तलाश में। अच्छा हुआ मैंने वो हेलीकॉप्टर देख लिया, नहीं तो हम दोनों की छुट्टी हो जाती। मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं आप? हैं? 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 अरे मुझे सब मालूम है तेरे नाटक। मैं जब से देख रही हूँ तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढ के मुझे बार बार छूने की कोशिश करते हो। तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? दिमाग ना तेरा खराब हो गया है, भूसा ना भूसा भरा तेरे दिमाग में, सब गंदी बातें भरी है। गंदी बातें? देखो मुझे सब मालूम है, कोई ना कोई मौका ढूंढ के तुम मेरे पीछे पड़ जाते हो। तुम्हारे पीछे मैं पड़ा हूँ? अरे तुम मेरे पीछे पड़ी हो? मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी, मैं तो सोने के पीछे थी। और वैसे भी ऐसे ऐसे आदमी के साथ रहना हो तो मुझे सोना भी नहीं चाहिए। चल जा, जय राम जी की। अरे जा जा, जय राम जी की। अरे जा रही हूँ। अरे जा ना रे, बात क्यों करती है? तुझसे बात कौन करता है? तू बोल रहा है मैं नहीं जा रही हूँ। अरे तुझसे बात कौन करेगा? तू चुप बैठ, मैं अपने अरे बात मत कर, जा ना तू। अरे चल। पता नहीं क्या समझता है आपको, जाना ही नहीं चाहिए था। हेलीकॉप्टर आया था, मैं इतनी बुद्धू लगती हूँ उस आदमी को, पता नहीं क्या समझता। अरे जाजा क्या समझती है? और मेरा नाम उमा पार्वती नहीं। नहीं भवानी, नंदू, नाइस मीटिंग। कोई होटल है क्या? चाको चाको
चाकू? होटल होटल चाकू चाकू नहीं जी, होटल खाने को कुछ। ठीक है ठीक है, नहीं चाकू चाकू ठीक है चाकू। चाचा यहाँ कोई होटल है क्या? चाकू चाकू, अरे होटल चाकू। ओ चाचा होटल होटल चाकू। ये चाकू क्या है यार? मोटे ये चाको होटल का है? अरे ये चाको होटल का है? चाको हमारा नाम है। हाँ तो तुम्हारे होटल में दो कमरे चाहिए। चाको हमारा नाम है, कोई होटल नहीं है। जाओ। सॉरी, वो क्या हुआ कि गांव में सब लोग चाको चाको बोल रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि आपका होटल होगा। जाओ। चाको जी, वो क्या है, हम बहुत दूर से आए हैं। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। यहाँ? हाँ यहाँ। थैंक यू। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो क्या है ना चाको जी, हम बहुत दूर जंगल में से आए हैं और हम लोग बहुत थक गए हैं, तो हमें रहने के लिए अगर कोई जगह मिले गांव तो... चाहिए गांव ले लो, पहाड़ चाहिए पहाड़ ले लो, खेत चाहिए खेत ले लो, जंगल चाहिए? हमें जंगल नहीं चाहिए। मैंने अभी तक दिया नहीं। वो क्या है चाको जी के, अभी अभी हम लोग जंगल से ही आ रहे हैं ना, इसीलिए नहीं दिया। हाँ। ना चाको जी जी, वो हमारे लिए होटल का अगर कोई भी इंतजाम हो सके तो हमें वो। यहाँ कोई होटल नहीं है। नहीं? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम है ना चाको, हमारा नाम चाको कैसे पड़ा जानती हो? कैसे कैसे? जब हम छोटे से थे तब हमने इतने बड़े चाकू से एक शेर को काट डाला। सुना? तब से हमारा नाम चाको पड़ा। जब तक हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम आपको जो चाहिए, जहां चाहिए, जितना चाहिए सब देंगे। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाकू, ये सारा गांव, यहाँ के पहाड़, पेड़ पौधे, छोटे छोटे कंकर, सब हमारा है। इस प्यारे गांव के सभी लोग हमारे बच्चे हैं। आपके बच्चे? हमारे बच्चे जैसे। हम इस गांव पर 400 साल से हुकूमत कर रहे हैं। 400 सालों से? 400 साल से। लेकिन आपकी उम्र इतनी लगती नहीं है। 400 साल से मेरे बाप के दादा के दादा के दादा के जमाने से हम इस गांव पर हुकूमत कर रहे हैं। हम तो अभी जवान हैं। यहाँ कैसे आए? मद्रास। दिल्ली। मद्रास। दिल्ली। वो क्या है कि चाको जी, मैं दिल्ली से आया हूँ और ये मद्रास। मैं मद्रास। आप दिल्ली से, ये मद्रास से। मैं मद्रास से आई हूँ, ये दिल्ली से आए हैं। आप मद्रास से, ये दिल्ली से। नहीं नहीं, मैं दिल्ली से, ये मद्रास से। जहां से भी आए ठीक है, लेकिन क्यों आए? क्यों आए? क्यों? क्योंकि इनके पिताजी बहुत बड़े शिकारी हैं। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े शिकारी थे। आपकी माँ क्या थी? मेरी माँ? आपकी माँ? मेरी माँ शिकारी नहीं थी। मेरी माँ भी तो शिकारी नहीं थी। दरअसल माओ को शिकारी होना भी नहीं चाहिए, बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। हा? लेकिन मेरी माँ शिकारी थी, बहुत बड़ी शिकारी। क्यों? क्यों? क्यों क्या? क्यों?
क्यों शिकारी थी? क्यों आए यहाँ पर? क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि इनके पिताजी बहुत बड़े शिकारी हैं। और अरे तुम ही बोलो ना दयाशंकर। दयाशंकर? कौन दयाशंकर? मेरा नाम है जी। दयाशंकर? हाँ क्यों? बड़ा प्यारा नाम है दयाशंकर। हमारा नाम चाको है। नाइस टू मीट यू। और मैं उमा पार्वती। नाइस टू मीट यू। लेकिन यहाँ क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि इनके पिताजी बहुत बड़े शिकारी हैं। मैं जानता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर इनके पिताजी जो बहुत बड़े शिकारी हैं, मैं जानता हूँ, वो शेर का पीछा करते करते इस जंगल में आ गए। जंगल में? फिर शेर आगे पिताजी पीछे? शेर आगे पिताजी पीछे? नहीं, शेर के पीछे पिताजी। शेर के पीछे पिताजी और आगे शेर था? आप समझ नहीं रहे चाकू जी। शेर आगे चल रहा था, पिताजी पीछे आ रहे थे। शेर आगे पिताजी? एक बात बताओ, शिकार कौन कर रहा था, पिताजी या शेर? मेरी माँ। माँ? इनकी माँ कहाँ से आ गई? तुम ही बोला ना दयाशंकर। वो क्या है ना चाकू जी, जी मेरे पिताजी है ना, वो बहुत बड़े शिकारी हैं। मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत बड़े शिकारी थे। और मेरी माँ भी बहुत बड़ी शिकारी थी। मैं जानता हूँ। फिर आगे क्या हुआ? तो मेरे पिताजी शेर के पीछे पीछे जंगल में चले गए। अच्छा। और उनको ढूंढने के लिए इनकी माता जी उनके पीछे चली गई। अच्छा। और फिर बताओ बताओ आगे क्या हुआ बताओ। मैं? फिर आगे क्या हुआ? फिर इनके पिताजी जो बहुत बहुत बड़े शिकारी थे, मैं जानता हूँ, आगे क्या हुआ? आगे इनके पिताजी जो बहुत बड़े शिकारी हैं, मैं जानता हूँ, फिर वो एक शेर के पीछे इस जंगल में घुस गए। शेर आगे चल रहा था, पिताजी पीछे चल रहे थे। फिर शेर आगे चल रहा था, पिताजी पीछे आ रहे थे। वही, पिताजी पीछे चल रहे थे, शेर आगे चल रहा था। आगे? आप समझ नहीं रहे चाकू जी। शेर के पीछे पिताजी चल रहे थे। आगे? पीछे? आगे? अरे पीछे? अरे आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आगे चाकू जी, इनके पिताजी जो बहुत बड़े शिकारी थे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आगे क्या हुआ? वो एक शेर का पीछा करते इस जंगल में घुस गए। शेर आगे चल रहा था, पिताजी पीछे चल रहे थे। पिताजी के आगे शेर चल रहा था, पिताजी शेर के पीछे चल रहे थे। फिर क्या हुआ? पिताजी के पीछे मेरी माँ जो बहुत बहुत बड़ी शिकारी है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो उसके पीछे जा रही थी। फिर क्या हुआ? मेरी माँ जो बहुत बड़ी शिकारी है, वो पिताजी के पीछे चल रही थी। शेर आगे, पिताजी पीछे, पीछे माँ, माँ के पीछे शेर, और शेर के पीछे इनके पिताजी। शेर आगे चल रहा था, उसके पीछे इनके पिताजी जो बहुत बड़े शिकारी हैं, बहुत बड़े, उनके पीछे आपकी माँ, वो भी बहुत बड़ी शिकारी है, बहुत बड़ी, उसके पीछे शेर कहाँ से आया? शेर तो आगे चल रहा था, आपकी माँ के पीछे शेर कैसे आया? मैं क्या बेवकूफ हूँ? चाको जी, वो क्या है कि वो लोग गोल घूम रहे थे। गोल? गोल। समझ गया। उसके बाद आप दोनों आए और आप दोनों भी रास्ता भूल गए। अरे चाको जी, you're great, you're a genius। वेलकम, आइए आइए, ये है हमारा छोटा सा राजमहल। ये? हाँ ये। It's beautiful. Thank you. यहाँ पे सब कुछ है, किसी भी बात की कमी नहीं, सिर्फ अरे अरे सिर्फ एक सहारा चाहिए। आइए आइए, ये महल बनाने में मेरे दादा को करीब 40 साल लगे थे, जिसके लिए उन्होंने 400 पेड़ काट डाले। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ चाकू जी। 2 दिन से हम लोग जंगल में ऐसे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, हमारी नहाने का कुछ इंतजाम हो सकता है? हो सकता है लेकिन उमा पार्वती, हमारे पास तो बदलने के लिए कपड़े भी नहीं है। चाकू जी,
हमें कपड़े मिल सकते हैं? जरूर जरूर। नंदू, लेकिन इस ड्रेस में तुम लग बड़े अच्छे रहे हो। तुम भी इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे अरे, ये टुमला कौन है? धीरे बोलो, नहीं तो चाकू सुन लेगा तो। लेकिन उसकी तो मुझे नहीं है। ये मेरे दादाजी हैं, माय ग्रेट ग्रैंडफादर। महान आदमी थे, इतने महान थे कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। शादी नहीं की? कभी नहीं, कभी भी जिंदगी में शादी नहीं की। व्हाट अ मैन। ये मेरे शिकारी जो बहुत बड़े पिताजी थे, महान आदमी थे, बहुत ही महान आदमी थे, इन्होंने भी शादी नहीं की होगी। अगर ये शादी नहीं करते तो मैं कैसे पैदा होता? और चाकू जी, आपकी माता जी? मेरी माँ? मेरी माँ तो मेरे पैदा होने से पहले ही मर चुकी थी। सिर्फ आपके लिए ये खास बनाया है। ये तो अंडा है, खोल के देखिए, खोल के देखिए। पकोड़ा, हाउ स्वीट। तीखा है? स्वीट नहीं, तीखा है। तीखा है? तीखी चीज मुझे बहुत पसंद है। एक सेकंड, आप में इतनी तमीज नहीं कि लड़की पहले पुरुष बाद में? I'm sorry. मैं दे दूंगा। लीजिए। थैंक यू। बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। आपकी बीवी ने बनाए हैं? हम तो अभी कुंवारे हैं। कुंवारे हैं? अब तक कोई लड़की नहीं मिली। क्या बात करते हैं चाकू जी, ऐसे कैसे हो सकता है? आपसे शादी करने के लिए तो कोई भी लड़की राजी हो जाएगी। सच? बिल्कुल। एक लड़की को अपने पति में क्या चाहिए? क्या चाहिए? दौलत या ताकत नहीं, दिल चाहिए, दिल। और आपसे बड़ा दिल वाला उसे भला कहाँ मिलेगा? सारा जंगल आपको राजा मानता है, राजा। और जो लड़की आपकी रानी बनेगी वो तो बहुत ही किस्मत वाली होगी। थैंक्स। ये है हमारे गांव का नजारा। अभी जबड़ी जबड़ी उड़ता उड़ता उड़ता। हाला वाला खून जा। ये कौन सी भाषा है? सॉरी, हिंदी। हिंदी? हिंदी, लेकिन मैं हिब्रू में बोलता हूँ। लेकिन चाकू जी, ये सब क्या तैयारी हो रही है? प्लीज, ये हमारे गांव में जश्न की तैयारियां हो रही है। जब भी एक रात में दो दो चांद निकलते हैं तब यहाँ जश्न मनाया जाता है। एक रात में दो चांद? एक रात में दो चांद। एक तो वो चांद रूटीन, और एक तो हला वाला कौन जा। ये वो ड्रिंक है जिसको पीते ही 440 वोल्ट का नशा हो जाता है। जिस थैंक्स, ये आप ले लीजिए, इसे पीते ही आपको मजा आ जाएगा। चीयर्स। मेरा ग्लास कहाँ है? चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स। चाकू जी, ये तो 440 का नहीं लगता। तो 880 का लगता है। तुम्हें ये पी के नशा हो गया? मुझे यू ही नशा हो गया। लेकिन अभी तो गाना बाकी है, बजाना बाकी है, और नाच भी होना है। नाच भी होगा, लेकिन इन कपड़ों में नहीं। नहीं, अभी बदल देता। यस। अरे, वो कहाँ गया?
जाके सो गया होगा। सो गया? आप जाग रही हो, सो गया। वेरी बैड, वेरी बैड। अच्छा एक बात बताओ, राम लखन? राम लखन, सॉरी सॉरी, दयाशंकर। एक बात बताओ दयाशंकर, ये मीना कुमारी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मीना कुमारी? अरे वो विविध भारती, उमा, उमा पार्वती के साथ। उसके साथ कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कल ही तो मिली हूँ मैं उससे, माँ बाप को ढूंढते ढूंढते। बस उतना ही? चाको जी मैं ड्रिंक लेके आया। जानती हो वो कौन है? कौन? वांटेड। क्या हुआ? क्या हुआ? चाको जी, मैंने आपसे झूठ बोला था। झूठ? मुझे झूठ बोलना पड़ा था। वो है ना, वो उमा पार्वती, उसे मैं नहीं जानती। मुझे उसने परसों उसने मुझे जंगल में किडनैप कर लिया था। मुझे बोला किसी को अगर मैंने कुछ बताया तो मुझे जान से मार डालेगा। तुम डरना नहीं दयाशंकर, तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास अंदर एक बहुत बड़ी गन है, वो गन से मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। थैंक यू। कहाँ थी तुम इतने देर? वो चाको है ना, चाको उसके साथ बैठी थी। चाको? क्यों उस कार्टून के साथ अपना वक्त बर्बाद करती हो? हाँ मुझे यहाँ तुम्हारे साथ एक बिस्तर में सोना पड़ रहा है, तो तुम मुझे बीवी की तरह मत डांटो। कोई शादी नहीं किया मैंने तुमसे। हाँ तो कर क्यों नहीं लेती? क्या शादी तुमसे? क्यों, मुझ में क्या खराबी है? प्यार किया है कभी? प्यार नहीं, प्यार नहीं किया, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ। अरे जा जा, कोशिश बड़ा आया प्यार करने वाला। ए भवानी, कौन है तू, कहां से आई है, बोलना। भवानी इस आदमी को कहीं देखा है? जब जब है रब होने लगा है नशा मुझको। हाँ बेटा चल, चलाओ राइट दबाओ, लेफ्ट दबाओ, गुड वेरी गुड। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? पता नहीं, पता नहीं, कुछ गड़बड़ है स्वर्णा। एक एक सेकंड यही बात खाई जा रही है कि हमारा मिशन खतरे में है। ये पिंकी क्या चाहता है, क्या सोचता है, हम नहीं जानते। यहां हम वैसे बैठे हुए हैं जैसे कि पिकनिक पे आए हुए हैं। पुष्कर,
जो होना है वो होकर ही रहेगा। जस्ट रिलैक्स। टार्जन बाबू, प्यार के बारे में आपका क्या ख्याल है? पत्थर की औलाद, तू क्या जाने प्यार क्या होता है? प्यार तो मैंने किया था। प्यार में जान देने की भी तैयारी होनी चाहिए। ये ऐसे चिड़ी चिड़ियों का प्यार नहीं, गुटरगू गुटरगू। मैंने प्यार किया था, बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत मीठी लड़की थी, लेकिन एक दिन गोली। क्यों? महासती अनसुया नाम की एक पिक्चर आई थी, मैंने उसको बोला कि चल रात के शो में जाते हैं 9 से 12 में। बोलती है नहीं, 3 से 6 के शो में जाएंगे दोपहर में। मैंने बोला रात का शो है, 9 से 12 मजा आएगा। बोलती है नहीं, 3 से 6 के शो में। मैंने बोला 9 से 12। बोलती है नो, 3 से 6। फिर क्या, मैं 9 से 12 के शो में गया दूसरी लड़की के साथ, लेकिन उसने जान दी ना लड़की ने। जान देने की तैयारी होनी चाहिए, इसे कहते हैं प्यार, ये नहीं। हाँ ओके, पता मिल गया, चलो। पता मिल गया, चला। Que questo giumbe, 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 umbe, umbe, tagagido, 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 tagagido. Ni me le voy a decir na, si na pa' culala. Ni me le voy a decir na, si na pa' culala, dor, dor, dor. Ni me le voy a decir na, si na pa' culala, dor, dor, dor. Ni me le voy a decir na, si na pa' culala, dor, dor, dor. Run away! अजब दौड़ है, गजब दौड़ है, ये जिंदड़ी आरो दौड़ है, कोई अग्गे ते कोई पीछे, की अगड़म बगड़म दौड़ है, पैसे दी है दौड़ को लोको, प्यार दी है बस छोड़ को लोको, पैसे दी है दौड़ को लोको, प्यार दी है बस छोड़ को लोको, दौड़, दना दन दौड़, हाय हाय दौड़, हे हे दौड़, अजब दौड़ है, गजब दौड़ है, ये जिंदड़ी आरो दौड़ है, कोई अग्गे ते कोई पीछे की अगड़म बगड़म दौड़ है।
तो बिना रंगा बड़ी अलहरी थोड़ी बड़ी बदलाती प्यासी रंपा कैसी बजाई है दुनिया की असली सीधा भागा है तब कुछ नहीं बोली अब चिल्ला रही है उस वक्त पुलिस पीछे पड़ी थी ना अरे तब भी तो एक्सीडेंट हो सकता था मगर उस वक्त कोई चारा नहीं था अब भी कोई चारा नहीं है देखो इस स्कूटर में पेट्रोल खत्म होने से पहले हमें शहर पहुंचना है ओह माय गॉड अरे बाबा इस तरह से तो हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाने दो अरे हाथ पैर टूट जाएंगे ऐसे अरे टूट जाने दो पागल हो गए क्या तुम हां पागल हो गया हूं तुम्हारा इरादा क्या है बताऊं हां बताओ बताऊं गाना गाने का ये लोग कपड़े की दुकान में क्या कर रहे हैं इडली खाने गए हैं कपड़े की दुकान में इडली इडली की दुकान में कपड़े लेने गए हैं He's joking. एक मिनट क्या चाहिए दो प्लेट इडली दो प्लेट बड़ा चटनी अलग कि क्या मतलब अबे टुमले कपड़े की दुकान में और क्या लेंगे पूछता क्या है देखिए हम यहाँ घाघरा चोली नहीं बेचते हैं क्या मैं तुम्हें घाघरा चोली पहनने वाली दिखती हूँ नहीं मैंने सोचा दरअसल कि सोच मत कपड़े दिखा टुमले एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको देखिए ये वाला पैंट चाहिए ये पैंट क्या भाव दिया ये पैंट 1200 रुपए की है अबे दर्जन का नहीं बे एक का पूछ रही हूँ डजन का भाव नहीं है एक पैंट का भाव है 1200 रुपए हाँ वो तो बोलता है ना देगा कितने में देखिए मैडम ये पैंट डिजाइनर्स पैंट है आज ही अमेरिका से आई है सुबह प्लेन में पैंट प्लेन में आई या बैलगाड़ी में पैंट तो पैंट होती है ना टुमले कैन आई हेल्प यू प्लीज अबे टुमले कोई धासू शर्ट दिखा ना आपको विमल का शर्ट चाहिए अरे अगर मैं विमल का शर्ट पहनूंगा तो विमल क्या पहनेगा दे शंकर मुझ पे ड्रेस कैसे लगेगी अरे पहले टुमले से भाव पूछने दे फिर आता हूँ एक्सक्यूज मी प्लीज डोंट कॉल मी टुमले ओके टुमले टुम्स ये कितने का है ये 2500 का है पुतले के साथ सर ड्रेस का 2500 है पुतले का 10000 अरे 10000 में मैं जिंदा लड़की ले आऊं या खड़े रहने के लिए शंकर प्लीज बात करता लेकिन मुझे यही ड्रेस चाहिए ये मैं समझ क्या कर रही हैं आप आपने गिरा दिया प्लीज आप देख सर पर रखिए सर पर रखिए इसे लेकिन देखिए मुझे यही ड्रेस चाहिए मुझे मेरे सर पर नहीं इसको प्लीज पुतले के सर पर रखिए ओह आई एम सॉरी लेकिन ड्रेस मुझे चाहिए प्लीज इसको सीधा करो इसको सीधा करो प्लीज इसको सीधा करो अभी कर दे ओह आई एम सॉरी जैसा वैसा रहने दो क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं दोगे नहीं नहीं क्या तुम चाहते हो मैं इतने गंदे कपड़े डाल के घूमूं हर जगह तुम सो कांट डू दिस तुम ऐसे नहीं कर सकते तुम प्लीज टुम्स थोड़ा डिस्काउंट दे दो ना बेबी ऑलराइट मैं कुछ करता हूं करोगे ना यस
डैश अंकल, तुम राजी हो गए हैं हमें डिस्काउंट देने के लिए? पैक इट बेबी, पैक इट। बॉस, मैंने आपको कपड़े दे दिए ना, अब मुझे जाते जाते टुमले का मतलब बता दीजिए। अरे ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तुझे सोना चाहिए ना? हाँ तो सोना कोई ऐसी जगह रखते हैं नंदू। ओ ए ए धीरे। ओ बाप रे, ए इसको कहाँ से खोलने का? इसे तोड़ना पड़ेगा। तो फिर तोड़ो ना नंदू। और कितने लोग हैं तुम्हारे पीछे? मैंने कहा ना मैंने नहीं जानता। अरे नहीं जानते तो क्या तुम्हें हेलो बोलने को आए हैं? तुम भी मेरी बात नहीं सुनती हो। अरे बात सुनती है तुम्हारी, लेकिन तुम अरे मैं झगड़ा करूंगा ना, बोला ना। अरे झगड़ा मैं नहीं, तुम कर रहे हो। तुम मुझे कुछ नहीं पता। अरे तू है कौन? पूरा 580 किलोमीटर घुमाया, 3000 रुपए का पेट्रोल जलाया, गाड़ी का गियर बदलते बदलते मेरे हाथ का मुरब्बा हो गया। गवर्नमेंट ने भेजा था हमको भारत दर्शन करवाने के। कोई दैया तू क्यों चिल्लाई आर्य नारी? इश्क हो गया है जेंगो से, बॉडी से प्यार हो गया है क्या रे? ये ऐसी बॉडी फोड़ी दिखा के किसको तू? दूध की मलाई मार मार के बनाया है ऊपर वाले ने। हाथ मत लगाना। तो क्या करूं, लूला बन जाऊं? ये गोरे गोरे होंठों पे ऐसा कस के चुम्मो लूंगा कि खून के मारे लाल लाल हो जाएंगे। पिंकी बस कर। अरे मामले में टांग मत लगाना वरना खोपड़ी खोल दूंगा। Come, baby. Come. Come. कुत्ते! अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। पिंकी, अच्छा, अच्छा। पिंकी, अपने आदमियों से कह दो कि हथियार फेंक दे और दयाशंकर को मेरे हवाले कर दे। सुना नहीं? चल दे। Thank you.
मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है यार, उनको ढूंढ जा। शंकर, ये लफड़ा क्या है? वो क्या है ना चाकू जी, मैंने आपसे झूठ बोला था। झूठ? हाँ चाकू जी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा था कि नंदू ने मुझे किडनैप कर लिया है। कौन नंदू? वो उमा पार्वती है ना, दरअसल उसका नाम उमा पार्वती नहीं, जी नंद कुमार है, इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच CBI। और मेरा नाम भी दयाशंकर नहीं है, मेरा नाम है पी भवानी, डिप्टी इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच CBI। और हम दोनों मिलके एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल गैंग को पकड़ने के काम में जुटे हुए हैं, और इसी सिलसिले में ये सब कुछ हो रहा है। आज लेकिन तो फिर ये पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? ऑपरेशन ही इतना बड़ा है कि पुलिस तक को इस बात का पता नहीं और ना चलना चाहिए। अच्छा, मुझे बताना तो चाहिए था कि तू है, तेरी वजह से मेरी सारी गोलियां खत्म हो गई। ब्लडी इडियट, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, आप बस गोलियां चला रहे थे, मैं क्या करता? औलाद की औलाद, मेरा हाथ टूट गया, मेरे को बर्फ लग दे, मेरे को बर्फ लग के दे। तुम लोग साले मेरी जासूसी करने आए हो कि इनका पीछा करने आए हो? मेरे को बर्फ लग दे। ए पुतली भाई, बहुत हो गया, चलो बाहर निकलो यार, पर बहुत हो गया, बहुत मेरे को बर्फ ला के दो यार, बर्फ तो मेरे को। अबे की ये छुपा छुपी इन दोनों को करने देते हैं, हम बॉक्स लेके चलते हैं। चलो माइक, इसका हाथ देख, ये साले मेरा हाथ तोड़ा है साले ने। ए चलना, उठाए। ए पुलिस, चल बाहर, उस तरफ बाहर, उस तरफ बाहर। जाने दो उन्हें। अरे जिस चीज के पीछे भाग रहे थे उसे छोड़ दे। देखो भवानी,
जिस सोने की वजह से तुम्हारी जान खतरे में आए ना, वो सोना मुझे नहीं चाहिए। जिंदगी में बहुत दौड़ लिया भवानी, बहुत चोरी चकरी कर ली, लेकिन भवानी मैं हमेशा सोचता था कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अब नहीं। नंदू तू ये क्या कह रहा है? भवानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आई लव यू। सर सर, डोंगरी पुलिस ने गोलियों की आवाज सुनकर एक आदमी को गिरफ्तार किया है। ये वही आदमी है जो हमें उस गांव में मिला था। उसका कहना है कि उसने उस बॉक्स को देखा है। तो ये है तुम्हारा घर नंदू, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली? भवानी बात यह है कि पहले मैं अकेला था ना, घर का मतलब यह था आओ सो उठो चले जाओ। अब तुम मिल गए हो ना, मैं पूरे घर को सुधार दूंगा। मैं सोच रहा था कि वहां रसोई घर होगा, यहाँ एक डाइनिंग टेबल लगेगा और वहां एक बेडरूम होगा। लेकिन बेडरूम तो दो चाहिए। दो बेडरूम क्यों? देख नंदू इधर बैठ 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 नंदू, तू और मैं तो हमेशा झगड़ा करते रहते, तो मैंने सोचा जिस दिन अपना झगड़ा हुआ मैं तेरे को वहां भगा दूंगी। भवानी यहाँ हम लोग शादी की बातें कर रहे हैं और तू झगड़े की बातें करती है। अरे कभी तो प्यार की बातें किया कर। क्या करूँ, मेरे बचपन से आदत है। देख हम लोगों ने शादी करने का फैसला तो कर लिया है, अब तो मुझे बता तू है कौन, कहां से आई है, माँ बाप कौन है? श्री, यस सर। तुम उस तरफ देखो। सर राणा। यस सर। मेरे साथ पीछे भी देखो, तुम आगे जाके देखो। जी सर। वहां हाँ, उन डब्बों के पास। सर मुझे तो ये कोई पुरानी फैक्ट्री लगती है। पुरानी फैक्ट्री लग रही है? यस सर। श्री मुझे तो ये एक 5-स्टार होटल लग रहा है। सर आपको ये 5-स्टार होटल कैसे लग सकता है? क्या 5-स्टार? सर को ये 5-स्टार होटल लग रहा है? ये 5-स्टार होटल लगता है? हाँ। राणा। हाँ सर, मुझे भी 5-स्टार होटल लगता है। राणा इधर जाकर देखो और श्री तुम बाहर जाकर देखो। सर। अरे उठ। अरे भैया चलो चलो जल्दी जल्दी चलो बाहर चलो। अरे उठना है, अरे उठ क्या है? अरे भाई साहब जाना कहाँ है? अरे आप चलो ना पहले जल्दी यहाँ से, कहीं भी चलो। अरे मगर कहाँ जाना है, इधर लॉन्ग डिस्टेंस में भाड़ा ज्यादा मिलता है, शॉर्ट डिस्टेंस में भाड़ा कम मिलता है। मिल जाएगा रे भाड़ा, मिल जाएगा। मगर आप लोग समझते क्यों नहीं, हमको रिटर्न भाड़ा भी तो मिलता है। कौन आएगा इधर? अरे मगर जाना किधर है वो बताओ तो फिर जाना। अरे मैडम तुम लोग हमारा प्रॉब्लम समझता ही नहीं, तुम एजुकेटेड लोग होते क्या ऐसा करता है मैडम? अरे जाना किधर? अरे देखो क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं ये कह रहा हूँ पुष्कर भाई की क्रिकेट का मैच होगा दो देशों के बीच, स्टेडियम भरा होगा क्रिकेट के प्रेमियों से। हजारों लोग देखने के लिए आएंगे, 26 देश के करोड़ों लोग इसे टीवी पे देखेंगे, लाइव टेलीकास्ट, राइट? वासिम अकरम गेंदबाजी करेगा, सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करेगा और हम सारे बमबाजी करेंगे। एक ही धमाके में लाखों लोगों का विकेट डाउन, लाखों लोगों का सफाया, क्लीन बोल्ड, ना रहेगा ग्राउंड ना रहेगी विकेट, बिकॉज आई हेट क्रिकेट। वाह क्या सीन है। पिंकी तुम पागल हो गए हो, इस बॉम्ब के जरिए हमें सिर्फ सरकार को अपनी ताकत का अंदाजा बताकर अपनी मांगों को मनवाना है। उन लाखों बेकसूर लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही उनको मारना हमारा मकसद है। तुम्हारा नहीं होगा लेकिन मेरा तो यही मकसद है। जरा सोचो यार पुष्कर, ऐसी घटना दुनिया में कभी घटी है? कभी देखा है कि लाखों लोग एक ही डिलीवरी में ऑल आउट? और ये कवर करने के लिए स्टार टीवी, जी टीवी, बीबीसी टीवी, सीएनएन टीवी, ये टीवी, वो टीवी, सब टीवी की मक्खी आ जाएगी और वो कमीने जानते नहीं है
वो खुद भी उड़ जाएंगे इसमें। मौत की एक लात, देखो गाना नंबर 7। एक मिनट पिंकी, अगर तुम्हारा यही मकसद है तो फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। साथ नहीं दोगे तो जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा बस। देखो गाना नंबर 10। पुष्कर पुष्कर भाभी, समझाइए नहीं से, बड़े वो हैं। आप एक बार मुझे खुला छोड़ दीजिए, देखिए मैं क्या क्या कारनामे करके दिखाता हूँ। प्लीज जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्लास्ट के बाद। लेकिन नंदू, तुमने वो बॉम्ब चुराया क्यों? अरे मुझे क्या मालूम कि उसमें बॉम्ब है, वरना मैं चोरी थोड़ी करता। ये सब काम उस तकले पिंकी का है और पुलिस समझती हम लोग इन्वॉल्व है। लेकिन पिंकी क्यों कर रही है सब? क्यों क्या? अरे वही, वो पिंकी, वो बॉम्ब वगैरह, वो सब क्या है? देखो छोड़ो उनको, अपनी जान बचाओ, पूरी जिंदगी पड़ी है सोचने के लिए, समझी? सब लोग मर जाएंगे क्या? न्यूट्रॉन बॉम्ब है, एक भी नहीं बचेगा। हम कुछ नहीं कर सकते क्या? हमें कुछ तो करना चाहिए। मैं भी वही सोच रहा था, कुछ करना चाहिए। लेकिन नंदू, हम क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। पुलिस को असलियत तो बता सकते हैं। हाँ ये बात ठीक है, चलो। सारी जिंदगी हम पुलिस के खिलाफ लड़ते रहे और आज हम ही अपने साथियों को पुलिस के हवाले कर दे? तो क्या चाहती हो, लाखों बेकसूर लोगों को हम मरने दें? यही था हमारा मिशन। और तुम नहीं समझोगे इस पिंकी को, पागल हो गया है वो, खुद भी मरेगा और हम सबको मरवाएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही चारा बचता है सुवर्णा, पुलिस को हम जल्द से जल्द इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस हियर। वो दोनों कौन थे? कौन दोनों? नहीं बताएगा तो मैं तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। मेरी जान भी ले लोगे तो भी मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताऊंगा कि वो दोनों तुम्हारे बॉस थे। मेरे बॉस? तुम्हारे बॉस सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर? यस। बैठो। तो वो सीबीआई ऑफिसर जंगल में क्या कर रहे थे? शेर का पीछा। आगे? पीछे। आगे? पीछे। आगे क्या हुआ? आगे शेर चल रहा था। तो आगे शेर चल रहा था, फिर पीछे ये लोग दोनों चल रहे थे। लेकिन वो जंगल में क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे। वो लेडी सीबीआई ऑफिसर है ना, उसके पिताजी बहुत बड़े शिकारी हैं। बहुत बड़े शिकारी। और वो दूसरा ऑफिसर? हाँ। उसकी माँ भी बहुत बड़ी शिकारी है और मेरे पिताजी भी बहुत बड़े शिकारी थे। सर आ गए। सर पागल है क्या? वो बिल्कुल पागल है, मतलब अगर कुछ देर और रहा तो वो हम सबको पागल कर देगा। जाने दो उसे, छोड़ो उसको। सिरी, पागल वो नहीं, ये है। तुम्हें मालूम है उस दिन अपन लोग जंगल में लड़का लड़की को फॉलो कर रहे थे, मैंने कहा था रोड साइड भागे हो और तुमने बोला था पहाड़ साइड गए हो। तुम्हें रोड साइड भगाया, मुझे पहाड़ पे भगाया। उस दिन से मेरे को थोड़ा लगता है क्रैक हो गया। वाकई? कोई भी काम करता है पागल के जैसे। एक बात बताओ, हो सकता है ये सचमुच में पागल ना हो, हो सकता है पागल बन के एक्टिंग कर रहा हो सकता है जब हम उसको छोड़े तो वो। सुनो सर, तुम ये यूनिफॉर्म बदलो और प्लेन क्लोज में उसको फॉलो करो। We'll be right back.
अरे हटा गाड़ी। टिकेट साहब, टिकेट नहीं चाहिए। साहब टिकट का पैसा दो। अरे भाई नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। साहब टिकट का पैसा दो। अरे टिकट नहीं चाहिए तो पैसा क्यों दूं यार, नहीं चाहिए। आदमी है क्या पागल? कोई हिलेगा नहीं, कोई भी हिलेगा नहीं। जो भी साला हिलेगा उसको मैं ऐसे ही उतार दूंगा, समझे? देश का नागरिक हो आप ही की तरह, डरने का नहीं। हम दिल्ली चलते हंसते खेलते गाते। ए, एक काम करते अंताक्षरी खेलते हैं, राइट? टार्जन शुरू कर। नहीं नहीं नहीं, मैं ही शुरू करता हूं। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, को 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 कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। गाओ कुछ ना कहो, तुम भी गाओ कुछ भी ना कहो। ढूंढ रहा है कि बस के टायर गिर रहा है? टार्जन उनको ढूंढ कर मैं जंगल वापस भेज दूंगा, तो सब तो गाड़ी चला। लेकिन तुमकी ये डबल डेकर। अरे गाड़ी चला। अरे पर मैंने कभी डबल डेकर नहीं चलाया। अरे रिक्शा समझ के चला भैया। पिंकी पर कैसे? मैं किसी दूसरे की महबूबा को हाथ नहीं लगाता, और आपकी मोहब्बत के बारे में तो जानते हैं। ए, पिया मिलन को जाना है, जा, जाना। आ रही है, आ रही है, सबर कर। हाँ, कैसी शिव पार्वती की जोड़ी लग रही है। मैं अभी अभी टार्जन भैया से बोल रहा था कि प्यार में जान देने की भी तैयारी होनी चाहिए। बोल, जान देते हो कि मैं लूं?
अबे साले तू गाड़ी चला रहे कि घोड़ा चला रहा है? वो गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही थी कि मुझे दिखाई नहीं दी, मैं क्या करता? तुझे गाड़ी नहीं दिखी थी, ऊपर का ब्रिज भी नहीं दिखा था। मैं भूल गया था कि ये डबल डेकर है। ए भगवान, अगर तेरे जैसे आदमी मेरी गैंग में रहे ना जोसेफ, तो मैं बन चुका डॉन, और मुझे डॉन बनना है जोसेफ, मुझे डॉन। इस तरफ मत आ, इस तरफ मत आ, बाहर मैं वहां आता हूं। जोसेफ मेरे दोस्त, तू डरना नहीं है, तू सांस रोक के बैठ, मैं सब बराबर कर दूंगा, सांस रोक के बैठ, तू ठहरो। भवानी, अगर ये साला यहां आ गया ना तो ये हम दोनों को मार डालेगा। हम ये सोच के निकले थे कि इस साले को किसी भी तरह रोकना है, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। तुम मेरे साथ हो ना भवानी? आई लव यू। मी टू। में नहीं आ रहा है कि जब उसमें 1 करोड़ का सोना था तो हमें 2 करोड़ का क्यों बताया गया? और नहीं यार, 2 करोड़ का सोना था, 1 करोड़ का बताया गया। नहीं नहीं नहीं, उसमें 1 करोड़ का सोना था। 2 करोड़ का सोना था, 1 करोड़ का बताया गया। दो दो सर, इतनी सी बात तुम लोग नहीं समझे। नंदू को बताया गया कि उसमें 2 करोड़ का। सर मैं इसे यही बता रहा था कि उसको बताया गया कि 2 करोड़। नंदू को बताया गया कि उसमें 2 करोड़ का सोना है, लेकिन नंदू को खुद भी पता नहीं था कि उस बक्से में 2 करोड़ का सोना नहीं बल्कि न्यूट्रॉन बॉम्ब है। सर न्यूट्रॉन, ये लीजिए सर, लीजिए बॉम्ब। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन छानबीन के दौरान मैंने आपको बहुत तंग किया, वो शेर, शेर का शिकार। आफ्टर ऑल ये हम हमारे देश को बचाने के लिए कर रहे थे, प्लीज डोंट माइंड। जय हिंद। अब इस बात को गौर से समझो, नंदू को भी पता नहीं था। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब ने हमारी बात मान ली, वरना ये सारी चीजें हैं ना हमारे गले में आ जाती। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब आप दोनों से मेरी एक ही विनती है, जब आप दोनों की शादी हो जाए तब आप लोग हनीमून के लिए मनाली जाना, मसूरी जाना, कहीं भी जाना, लेकिन मेरे गांव में मत आना। क्यों? मैं तो मजाक कर रहा था। जब आप दोनों की शादी हो जाए तब हनीमून के लिए आप मेरे ही गांव में आना। बाय दयाशंकर। लेकिन चाको जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरा नाम भवानी है। लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा दयाशंकर ही रहोगी। बाय बाय। बाय 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 बाय। ए भवानी, अब हम लोगों ने शादी का फैसला कर लिया है ना, अब तो मुझे ये बता कि तू है कौन, तेरे माँ बाप कौन है, कहाँ से आई है तू? देख नंदू, एक काम करते हैं, पहले तू बता, उसके बाद में मैं बताती हूँ। अरे मैं क्यों बताऊँ, मैंने पहले पूछा ना। हाँ नंदू, लेकिन अब मैंने पूछा है ना। अरे पहले मैंने पूछा ना। देखो नंदू, अब मैंने पूछा है ना तो तुम बताओ। अरे हर वक्त तेरी मनमानी चलेगी क्या नंदू?
अभी से कह रही हूँ हर वक्त मेरी ही मनमानी चलेगी शादी के बाद भी। अच्छा समझे? तो अब तुम बताओ ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही बिल्कुल। अरे जब भी देखो झगड़ा करती मैं चलता हूँ चल। अच्छा कभी कभी तेरा भी सुन लिया करूँगी। हाँ ये बात है। तो मैं बताऊँ? बता ना। अच्छा तो सुन ले, देख जब मैं छोटी सी थी ना, मतलब इतनी सी, तब मेरे पिताजी बहुत बड़े शिकारी।